are going live very soon. We are in queue right now. I think today many people are joining. Okay. तो दोस्तों गेसु संवाद में आपका स्वागत है. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पुनीत भटनागर, और मैं इंतजार कर रहा हूं मनोज झंवर सर जल्दी ही हमारे साथ फिर जुड़ेंगे. वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और बीच में अचानक कनेक्शन की किसी कमी के कारण शायद कनेक्शन टूट गया है. पर एक बार आपका फिर स्वागत है गेसु संवाद के इस मंच पर. ये गेसु संवाद का 94th सेशन है और उसका मतलब यह है कि हम बहुत जल्द सेंचुरी पूरी करेंगे. और ये बात भी तय है कि उसका एक बड़े स्तर पर उत्सव भी मनाया जाएगा. और ये सब संभव हुआ है आप लोगों के कारण. आप लोग हमसे जुड़ते हैं, गेसु संवाद देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, शेयर करते हैं. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत. मैं इंतजार कर रहा हूँ मनोज सर का, और अगर आप इजाजत दें तो एक बार मैं उनके साथ फोन पर भी बात कर लूँ. क्या तकलीफ हो रही है जुड़ने में, तो मुझे एक मिनट दीजिए. दोस्तों आज का ये जो संवाद का सेशन है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मनोज सर की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. और सर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए. सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू पुनीत, हैप्पी टू कनेक्ट विद यू ऑल. हाँ तो सर कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, और तो हम बात शुरू कर सकते हैं. या व्हाई नॉट. I see Atul. Yes. Atul. Hi. तो सर सबसे पहले तो अतुल सर तो आपके बैचमेट हैं, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो शायद आपको अभी नहीं दिख रहे. तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई. आप पीटीसी लिमिटेड के सीएमडी एमडी बने हैं और इतने बड़े सीएमडी सीएमडी बने yes. और इतने बड़े पद पर हमारे किसी गेसुवाड़ का पहुंचना हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है. तो पूरे गेसु परिवार की तरफ से सर आपको एक बहुत बड़ा सलाम, दो दो सलाम. थैंक यू पुनीत, थैंक यू सो मच. ऑल्दो इट इज नॉट मच इन द फोर्स, इट इज इन द फ्रेटर्निटी वेयर इन द वैल्यू लाइज. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पर क्या होता था सर कि जब हमारे बीच का कोई बंदा जाता है तो उसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. लोगों को लगता है कि हम भी जा सकते हैं सबसे पहले. और एक जो एक सीलिंग होती है ना, ग्लास सीलिंग होती है, वो टूट जाती है. और मेरे ख्याल से गेसु संवाद का एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मानता हूँ वो ये है कि इसके माध्यम से आज 94th सेशन है, इतनी सारी प्रतिभाओं के साथ हमने बात की है. और तो ये मिथ टूटा है कि छोटे शहरों के लोग ऊपर नहीं जा सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते. और इतने सारे संवाद में एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे साथ जुड़े, बिजनेस पीपल जुड़े, पुलिस ऑफिसर्स जुड़े, आईएएस ऑफिसर्स जुड़े, मतलब इवन एक साधु जुड़े. मेरा कहना है कि गेसु ने जिंदगी के हर पक्ष में कुछ ना कुछ तो चमक दिखाई, और उसमें आज आप हमारे साथ हैं
तो आपसे बहुत कुछ सीखने की इच्छा है। और तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आज कुछ बहुत सारे मोती आपको मिलेंगे, जरा चुनने के लिए तैयार रहिए, पेन पेपर लेके बैठना, क्योंकि बहुत सारी चीजें नोट करने लायक भी मिलेंगी। तो सर सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, हम जनरली बात करते कि छोटे शहर से बड़े शहर, तो छोटे शहर में हम उज्जैन को गिनते, लेकिन आपकी शुरुआत मनासा नाम के कस्बे से, True. और आज आप दिल्ली में बैठ के पूरे हिंदुस्तान को चमका रहे। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि तो इस संवाद सेशन के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, इस दौर में किन किन चीजों ने आपका साथ दिया, आपने क्या क्या सीखा, कुछ इंसाइट्स आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो बताइए आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं, मतलब। पुरी, मेरी स्कूलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग सी हुई। मेरे फादर हाँ जो है वो गवर्नमेंट में फूड इंस्पेक्टर हुआ करते थे, और एट दैट अच्छा पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज सच ए काइंड ऑफ आई वुड से ए फेरोशियस पर्सनालिटी दैट एवरी ईयर ही यूज्ड टू गेट ट्रांसफर। ओके सो माय इंटायर स्कूलिंग हैपेंड एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड ऑल दोस प्लेसेस वेयर मोस्टली तहसील टाइप ऑफ प्लेसेस विद गवर्नमेंट स्कूल दैट सरकारी टाट पट्टी एंड ब्लैक बोर्ड, नथिंग मच टू से। बट या माई स्कूलिंग हैपन्ड एवरी ईयर आई अच्छा यूज स्टडी इन अ न्यू टाउन विद अ न्यू स्कूल एंड न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड तो ये बड़ी आपने मजेदार बात बताई सर, क्योंकि मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि अच्छा आप कौन कौन सी कंट्री में घूमे हैं, तो ट्रू पर आज ये सवाल दूसरी तरफ से पूछता हूँ कि आप कौन कौन सी तहसील में पढ़े हैं। कौन कौन सी तहसील में, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत छोटी छोटी सी जगह है, मुझे याद है थर्ड स्टैंडर्ड से तो एक रतलाम में जगह हुआ करती है सैलाना, बहुत छोटी सी जगह है। फोर्थ मैंने झाबुआ से पढ़ी होगी, पांचवी भी, फिफ्थ तक मैंने कुक्षी में पढ़ी होगी, सिक्स जो है कुक्षी के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी होगी, सेवन्थ मैंने धार में पढ़ी, एट्थ मैंने तराना में पढ़ी, नाइन्थ मैंने उज्जैन में पढ़ी, टेंथ मैंने राजगढ़ में पढ़ी, इलेवंथ मैंने खरगोन में। क्या बात है, क्या टाइम लाइन है। ओके सो एवरी ईयर न्यू स्कूल न्यू फ्रेंड्स एंड दैट वाज दैट। और इस पूरी यात्रा में होते होते आप गेसू में आ गए, जो 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 आपके लिए बड़ा शहर होगा। बहुत बड़ा शहर था उसके पहले, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा शहर कभी एकाध दो दिनों के लिए देखा होगा तो इंदौर था, और हाँ उज्जैन भी मेरे लिए बड़ा शहर ही था। हालांकि हाँ 9th क्लास में मैंने वहां पढ़ी थी स्कूल में, हाँ लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कह सकता कि आई वॉज यूज टू लेट अस से कि सिटी लाइफ आर वाट। तो एक छोटे से कस्बे से आए ये समझे गैसू के अंदर में, और फिर गैसू आते ही, गैसू तो गैसू है, हाँ आपको ये कुछ कुछ न कुछ ऐसा आपके अंदर में चेंज लाता है कि फिर वो लाइफ लॉन्ग रिलेशन आपके साथ रहते हैं, कोई डाउट ही नहीं इस बारे में। और आपके दौर में तो गैसू में बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे थे, मुझे याद है कि, और मैं भी 89 से हूँ, आप 88 पास आउट है, तो मुझे पता है कि उस दौर में बहुत भूचाल आया हुआ था। एक एक और छोटी मोटी क्रांति की थी जब हम लोग सेकंड ईयर में थे, और थर्ड ईयर की एक बैच हुआ करती थी बड़ी पॉपुलर बैच, तब याद हो हॉस्टल वर्सेस डे स्कॉलर की एक छोटी मोटी क्रांति मुझे पता है, मैंने रवि बंगल सिंह सर के साथ एक पूरा संवाद सेशन किया है, थी। तो यस मुझे पर्दे के आगे की और पर्दे के पीछे की कहानियां पता है, तो मैं जानता हूं कि उस दौर में आप लोग रहे। तो वेरी वेरी टर्बुलेंट पीरियड। सर ये चीज और है कि उस जमाने में पढ़ाई के मामले में गेसू बहुत अच्छा हुआ करता था, आई होप आज भी होगा, लेकिन तो वहां पे कुछ ऐसी खास, तो दो चीजें जानना चाहता हूँ कि क्या पढ़ाई में शुरू से बहुत तेज थे जो आज यहाँ पे पहुंचे हैं, और दूसरी कौन सी गतिविधियां थी जिसमें आप शामिल होते थे, विच माइट दो हैव चीज हेल्प यू। दो चीजें कहूंगा पुनीत। स्कूल हाँ जैसे जैसे छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ा, तो ये मैं कह सकता हूं कि उस इन दैट सेट ऑफ स्टूडेंट्स आई वाज ऑलवेज अमंग द टॉप और ओके रादर हाँ टॉपर। तो हाँ हाँ ये मान सकता हूं मैं कि मैं अपना एक बिलीव था कि भैया मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं लाइफ में। उसके पहले कभी कोई एग्जाम फेल नहीं की थी, इवन पीईटी भी जो है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई और पूरा गांव मुझे बधाई देने आया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ कुछ अच्छा ही कर लिया होगा, ऑल्दो आई डिड नॉट नो कि व्हाट इंजीनियरिंग प्रोफेशन वुड एक्चुअली इंटेल। मेरे साथ दूसरी चीज एक और ये हुई थी कि आई वाज नॉट इवन 15 व्हेन आई गॉट एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके ऐसा कैसे सर।
ऐसा ऐसे हुआ कि एक तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ तो थोड़ा सा जल्दी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई, जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ता था, क्लास थर्ड में, तो उस समय जो स्कूल के गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके पास में एक पावर हुआ करती थी कि इफ दे थिंक कि सम स्टूडेंट इज डूइंग गुड तो दे कैन प्रमोट इन मिड सेशन आल्सो। सो ही वांटेड टू प्रमोट हिज सन, सो ही फॉर्मड अ कमिटी। That committee took interview of three, four students to select someone who can be promoted to next class. So it so happened that he was not selected and I was promoted. So some people may say that it gave you a head start. I would say that it is a mixed blessing because the entire schooling, it so happened that in every class I encountered the people who were broadly speaking 2 years older than me. So that creates some problems. डेफिनेटली तो तो फिर उतनी कम उम्र में आपने गेसू में फिर एडजस्ट कैसे किया? या तो दैट वाज रियली आई मीन कि इट वाज एन एक्साइटिंग टाइम, इट वाज आल्सो एन एंग्जियस टाइम फिल्ड विद एंग्जायटी आल्सो। लेस देन 15 इयर्स आई वाज देयर इन गेसू डूइंग माय फर्स्ट ईयर। आई हैड हर्ड द स्टोरीज ऑफ द लेजेंडरी रैगिंग ट्रेडिशंस ऑफ द गेसू। I was, my parents were not really comfortable putting me in the hostel, so they thought it would be good if I stay outside. So that is how I became a day scholar. But still, I mean, those uncertainties up till that point of time, I had never lived away from parents. So, wo, managing on your own, so it was no doubt ki initially it was exciting time, but also it was an anxious time. Not only because of ragging, but because of adjusting to the new environment, managing for your own. And I think I would say that first year went into a whirlwind. This was the formative year at that college. और कुछ ऐसा हुआ कि कभी जिंदगी में कोई एग्जाम फेल नहीं की होगी, जब गेसू के अंदर में कुछ ऐसा हुआ वहां जाके कि आई स्टार्टेड हैविंग गुड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड रियली नेग्लेक्टेड स्टडीज, स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग स्टडीज। और शॉक ऑफ माय लाइफ केम व्हेन पहली बार लाइफ में जो है किसी एक पेपर के अंदर में एटिकेटी हुई। तो मुझे तो उस समय एकदम समझ में नहीं आया कि नाउ हाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल टू माय पेरेंट्स एंड व्हाट। ऑल ऑफ सडन मुझे समझ में आया कि ऑल्दो एवरीथिंग इज गुड अराउंड मी, आई एम हैविंग वंडरफुल फ्रेंड्स आल्सो, लेकिन लाइफ एक्चुअली रिक्वायर्स अ बैलेंस। So करेक्ट करेक्ट that rebalancing I did in second year and after that there was no looking back. ओके I think ग्रेट I did well in studies. I was happy when I could pass with honors from GSU those days. ओके Not only honors, I think I was among very few people who could really clear the gate because in that those days not many people या ज्यादा लोग नहीं होते थे appear इतना. भी नहीं होते थे, select भी नहीं होते थे, I could clear it. आई वॉज अमंग दोज पीपुल जो एक सबसे बड़ा उस समय अपनी लाइफ में चैलेंज और अनसर्टेनिटी रहती थी वो थी जॉब को लेके। मुझे याद है आई थिंक कि 60 लोग की बेच के अंदर में कैंपस प्लेसमेंट हुआ होगा 5 लोगों का। मेरी जॉब की अनसर्टेनिटी भी वहां पे क्लियर हो गई कि मुझे जॉब कैंपस प्लेसमेंट से मिल गया था। आई वॉज अमंग दोज 5, दैट वॉज गुड। लेकिन ये है कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर में बैलेंसी की नीड तो समझ में आई थी, लेकिन जो फ्रेंड्स फ्रेटर्निटी और फिर मैं उस नाना खेड़ा ग्रुप का एक हिस्सा था जो उन जमाने में इफ यू नो एंड इफ यू हैपन टू नो वहां पे ऑलवेज वन काइंड ऑफ द एजिटेशन और द अदर काइंड ऑफ द एजिटेशन। आइदर समवन वाज ए ट्रबल मेकर और ही वाज इन ट्रबल। एंड इफ ही वाज इन ट्रबल तो लेट अस से कि विद द शॉपकीपर्स ऑफ द प्रीगंज और विद दिस सम पुअर बस ड्राइवर और ऑल दोस काइंड ऑफ स्मॉल स्टीट्स, इट वाज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। यस You are according to that whirlwind, whether you liked it or not. And actually, I would not say that I did not like it. I was actually a part of it. या एवरीबॉडी इट या वाज अ रोलर कोस्टर सर, और आप उससे बाहर हो ही नहीं सकते थे, हो ही नहीं सकते थे, बिल्कुल सही। और हो ही नहीं ही सकते। ऑलवेज योर फ्रेंड आइदर इज अ ट्रबल मेकर और इज इनटू ट्रबल एंड देन यू हैव टू यू हैव टू एंगेज विद हिम आइदर स्टार्ट आउट इन ट्रबल और यू 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 गेट देयर। और मुझे कई हमारे दोस्तों ने जो गेसु संवाद पे आए उन्होंने कहा कि वो उनकी जिंदगी का बहुत बड़ी लर्निंग थी, क्योंकि 100% 100% मतलब स्पेशली जैसे हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने कहा वो एचआर में है, बहुत बड़े पद पर है, और उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार गया तो
और जापानीज मैनेजमेंट था, तो उनको पता नहीं चल रहा था, स्ट्राइक हो गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात कैसे करें। मैं अकेला हिंदुस्तानी था जो उनके साथ बात कर रहा था, हमारे यूनियन के साथ। एंड सेड आई कुड सर्वाइव बिकॉज मैं गेसू में रह चुका था क्योंकि मैं वो सब देख चुका था। अभी अभी एक रिसेंटली मैं बुक पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है उसके अंदर में, कि स्कूलिंग के अंदर में 50% व्हाट द टीचर टीच यू एंड रिमेनिंग 50% व्हाट द स्कूलिंग द बुलिंग द कॉमरेडरी द फ्रेंडशिप्स एंड ऑल दोज स्मॉल राइवलरीज दैट दैट इज व्हाट व्हाट मेक्स यू व्हाट यू आर। पक्का 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 तो सेम फॉर द कॉलेज आई थिंक। पक्का सच है सर। मैं कुछ मेंटोर कर रहा था बीच में आईआईटी के बच्चों को, आईआईटी के स्टूडेंट्स को, और मैंने उनसे पूछा कि यार तुमको से जब बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं गेसू के लोगों से बात कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्या अलग है? और उन्होंने कहा सर हम आईआईटी के हैं, यही अलग है बोले हमारे यहाँ जो माहौल है, हमारे यहाँ जो माहौल है, हर बंदे के अंदर ये जज्बा भर दिया जाता है कि तुम तो आईआईटी के हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। राइजिंग तो जो 50% आपने बोला ना, 50% पढ़ाई है लेकिन 50% वो जज्बा है। आई आई थिंक गेसू की बबूल खड़ी हम सबको स्ट्रीट स्मार्ट तो बना देती है, नो डाउट नो डाउट और वो अबाउट दैट। किस और वो किसी कुरिकुलम में नहीं सीखा जा सकता। सिखाया भी नहीं जा सकता। और मेरे ख्याल से वो जो बबूल खेड़ी, वो जो रैगिंग का डर, फिर उसके बाद में आप एक हिंदी मीडियम से आए, मैं तुमसे कहूंगा 6th क्लास तक तो हम, 5th क्लास तक तो हम लोगों ने इंग्लिश का अल्फाबेट भी नहीं सीखा होगा। 6th क्लास में पहली बार जो है वी वर एक्सपोज टू द इंग्लिश अल्फाबेट। 11th तक आते आते मेजर हिंदी लेके पढ़े हुए थे। जब फर्स्ट ईयर के अंदर में आए, ऑल ऑफ सडन जो है आपको वो जब रेसिडेंशियलिटी का बम सिर पे गिरता आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया था, बम ही तो होता है वो। वो जो हैलिडर एसनिक का बम गिरा था एकदम से, तो देट वॉज पार्ट ऑफ द रीजन कि एकदम से ऑल ऑफ सडन जब स्कूल के अंदर में टॉप करते आए थे और वहां पे एकदम से लगा कि एटी केटी लग गई। फिर लगा कि लगने का बड़ा कारण तो यही है गैसों की झाम नो डाउट कि देट वॉज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप उस समय में फोर्ज हुई। आज तक भी उन सारे दोस्तों के साथ में बहुत बेहतरीन बिल्कुल जो है कि लाइव वायर कॉन्टेक्ट हैं। तो उस तरीके से तो पूरी कॉलेज हुई। कॉलेज के अंदर में बिसाइड डेट मुझे ऐसा लगता था कि मतलब थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब दो तरीके मेरे को ये समझ में आया कॉलेज के अंदर में। एक रह के कि थोड़ा सा मेरे को ये लगता था हमेशा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ना वो मुझे समझ में आना चाहिए मेरे को। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं कि हेलिडर रेसनिक का ये क्वेश्चन हुआ करता था कि आपने जो है बोले 1 किलो कोयला लिया एक फर्स्ट फ्लोर पे, और यदि उसको जो है 5th फ्लोर पे लेके चले गए तो उसमें स्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गई। फिर उसको यदि जला दिया तो वो एनर्जी कहाँ चली गई? अब उसका एकदम आंसर क्लास में ये मिला कि बोले वो एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल गई। अब सब लोगों ने मान भी लिया पर मैं तो कन्विंस तब भी नहीं हुआ उससे। यदि उसको जलाएंगे तो केमिकल एनर्जी तो चाहे फर्स्ट फ्लोर पे जलाएं चाहे 5th फ्लोर पे जलाएं बराबर ही हुआ करेगी। बराबरी तो होगी। मेरे को वो आंसर सूट नहीं किया। फिर मैंने उसकी बहुत रिसर्च की और उसका आंसर इज फार 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 मोर टेक्निकल देन व्हाट वाज बीइंग टॉट इन कॉलेज। बट मेरे को ऐसा लगा कि यदि आपको एग्जाम में स्कोर करना है तो यू फॉलो द पाथ वन, और यदि इफ यू रियली वांट टू नो तो फॉलो द डिफिकल्ट पाथ व्हिच इज टू। तो देट विल टेक यू टू मेनी अदर मेनी मेनी अदर सोर्सेस जहां आपको यूं नॉर्मल कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। बट बिल्कुल इट इज जस्ट बिल्कुल फॉर द बिल्कुल। जॉय ऑफ लर्निंग जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आई सर थिंक मैं आई हैड दैट क्यूरियस माइंड। वही कहूंगा कि मैं अभी उस टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा कि वो क्या था टेक्निकल पॉइंट, लेकिन ये समझ में आया मुझे कि आप क्यूरियस थे, यू वांटेड टू डिग बिहाइंड कि एक्चुअल, तो मतलब जो परोस दिया वो खा लिया से आपका काम नहीं चल रहा था, आपको मतलब अला कार्टे पता नहीं वो चाहिए था। समाउ जैसे बहुत सारे लोग उस समय कहा करते थे कि यार फॉरेन अदर्स की बुक पढ़ोगे ना तो फेल हो जाओगे एंड इट इज लार्जली ट्रू। सही बात मुझे है। ऐसा लगता था कि यार यदि इसको पढ़ने से डर लग रहा है और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब कि मेरे को सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वेदर आर नॉट कि वो मार्क्स में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, समहाउ जो है आई वुड फाइंड टाइम। ऑल दो टाइम वहां पे गैस में बाकी सारी चीजें बैलेंस करने के बाद कम ही हुआ करता था बट नो आई हैड दैट क्यूरियस माइंड। बट ये आपने सर मुझे सवाल पूछा ना वो मेरे दिमाग में भी है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास उसका जवाब नहीं है और बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, एंड बिल्कुल
आपने ये जो एक बात बोली ना, दिस इटसेल्फ इज सच अ पावरफुल थिंग, और आई थिंक इट्स स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, एंड दैट आल्सो टेल्स मी कि अच्छा जो मेरे को जवाब चाहिए ना कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। एक चीज ये है कि दोस्तों सवाल पूछो, गहरा सवाल पूछो, खाली सवाल ना पूछना, गहरा सवाल पूछो जिसका जवाब तुरंत ना मिल जाए, और एआई के इस जमाने में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाने वाला है, क्योंकि अभी हमारी आदत पड़ गई है कि जो भी चाहिए हमने पूछा और मिल गया। बड़े जवाब तुरंत नहीं मिलते, उनकी खोज करनी पड़ती। तो सर थैंक यू सो मच, दिस इज माय फर्स्ट ग्रेट लर्निंग फॉर टुडे। तो अब मुझे दूसरी चीज ये बताइए कि तो फिर इसके बाद क्या हुआ, आप गेट के थ्रू बड़े कॉलेज में गए या नौकरी शुरू की? जो सबसे बड़ा चैलेंज उस समय सबके लिए था कि यार कोई जॉब तो मिल जाए तो समझ में आए। अब मेरे पास में एक जॉब था जो कि कॉलेज में प्लेसमेंट में मिल गया था, दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन सेकंड ये और था कि मैं पीजी कर लूं। सबसे पहले मैंने जॉब ज्वाइन किया, फिर 15 दिन के अंदर मैं उसको छोड़ दिया, मुझे लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ऑल्दो दैट वाज जॉब वाज रीजनेबली गुड, मतलब इंस्टीट्यूट में मुझे पहली जॉब मिल गई थी कैंपस प्लेसमेंट में, पर उसको फिर मैंने छोड़ दिया। और वो GSTI से जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में पीजी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। I think that was a good decision for you. Definitely it turned out to be very very good decision. उसके अंदर में एक स्टोरी है, वो स्टोरी है कि GSTI के अंदर में जब हॉस्टल में रहने गया तो एक गेसू की कम्युनिटी थी, एक गेसू का कल्चर था, और जैसा मैंने कहा कि इंग्लिश के अंदर में तो हम लोग शुरू से बहुत वीक से ही थे, तो हुआ ये था कि आल्दो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था अदर देन कोर्स बुक भी या टेक्स्ट बुक्स भी, लेकिन टेक्स्ट बुक को छोड़ के इंग्लिश की कोई चीज कभी पढ़ी नहीं होगी, सीरियसली तो बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, कुछ तो मेंटल रोड ब्लॉक था, ऐसा लगता था कि शायद ये इट इज बियॉन्ड अस। जिस टाइम जब मैं गया तो मेरे तीन रूममेट्स और आए एक साथ, एक रूम में हम लोग रहते थे, आज जो SP साहब का ऑफिस है वो मेरा रूम हुआ करता था। अच्छा, G16 इंदिरा रानी सराय हॉस्टल GS, तो वहां पे मेरे तीन रूममेट्स और थे, वो थे NIT रायपुर के, वो तीनों बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे। उनके पास में मैंने देखा कि वो अक्सर जो है इंग्लिश नॉवेल पढ़ते थे, इंग्लिश फिल्मों की बातें किया करते थे, और समहाउ मैं शुरू का फर्स्ट वीक जो है ना तो वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे ना मेरी उनके साथ में इस तरह की ट्यूनिंग हो पा रही थी कि कोई कॉमनलिटी या इंटरेस्ट दिखे, ना मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं जो डिस्कशन या बातचीत वो कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। देयर वाज वन वेरी गुड फ्रेंड, उन तीनों में से एक था, एक लड़का अजय सालपेकर, आई थिंक वो ओरेकल के अंदर में बाद में काफी सीनियर पोजीशन पे अभी होगा। तो वन डे ही आज भी कि मनोज तुम नहीं पढ़ते क्या इंग्लिश नॉवेल? तो आई रिप्लाई टिपिकली, जो टिपिकल रिप्लाई होता है कि यार कभी पढ़ा नहीं और आई डोंट नो कि ढंग से समझ में आएगा भी कि नहीं, आई वाज ऑनेस्ट इनफ टू से। बोले तुम इंजीनियरिंग पास कर चुके हो और तुम कह रहे हो कि नॉवेल समझ में नहीं आएगा, हाउ कैन दैट बी? तो मुझे भी लगा कि यार हाउ कैन दैट बी, बट उसके पहले क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया नहीं था। तो उसके पास वो एक नॉवेल पढ़ रहा था उस समय, वो मुझे आज भी याद है, उस पहला नॉवेल जो वो पढ़ रहा था उसका नाम था ओवरलोड। यदि तुमने जो इंडस्ट्रियल नॉवेल्स का जो अपना आर्थर हेली जो किंग है इंडस्ट्रियल नॉवेल्स लिखने का अलग अलग लिखता है, एक बात इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री एंड आई डोंट नो कि वेदर देयर वाज सम वुमन इन इट और नॉट, बट दैट वाज अ नॉवेल ही वाज रीडिंग एंड ही टोल्ड मी कि यू गो थ्रू इट यू विल लाइक इट। ओके, तो पहले तो जो मेंटल रोड ब्लॉक था कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, समझ में आएगा नहीं आएगा, जब उसको पढ़ना शुरू किया तो मेरी समझ में आया कि यार आई वाज ए इडियट ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, ऑफ बीइंग आई मीन अफ्रेड ऑफ दिस। Absolutely, it was, I mean, absolutely there was no trouble understanding it, but I assumed that there would be some trouble. So that is one thing I would like to say to many people, ki do not, I mean, underestimate your abilities. If others can do it, then Bhagwan ne dimag sabko barabar diya, you can also do it. So wahan pe fir mujhe aisa laga, wo pehla novel tha jo maine padha, aur jab maine padha to bada maza aane laga, to us samay जो हॉस्टल था रानीसराय हॉस्टल, उसके आसपास कम से कम ना 50 दुकानें हुआ करती थी जो पायरेटेड बुक्स बेचा करती थी, क्योंकि उज्जैन में होती नहीं थी। तो उस हॉस्टल के पास में रोज हम लोग जो है ना वहां से कुछ न कुछ तीनों चारों में से कोई 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 नई चीज ले आया करता था पढ़ने के लिए। देट ओपन द फ्लड गेट्स फॉर मी,
to it gave me an access to a very vast universe of knowledge which I had deprived myself earlier. वो रीडिंग जो मेरी हिंदी की थी, जो स्कूलिंग की थी, जो कॉमिक्स की थी या बाकी सारी चीजें थी, उसमें एक नया डायमेंशन जुड़ गया कि आई वाज नाउ नो लॉन्गर आई मीन फियरफुल अबाउट रीडिंग व्हाट गुड इंग्लिश लिटरेचर वाज और व्हाट एवर इट वाज. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चूंकि पायरेटेड एडिशन की एक बड़ी खूबी और खासियत होती है कि वहां पे बेस्ट सेलर का ही पायरेटेड एडिशन बनता सही है, बाकी किसी कचरे का पायरेटेड एडिशन कोई छापता नहीं है. क्या बात है, ये बड़ी बात है. हाँ बिल्कुल. तो इस बारे में तुम्हें याद हो तो एन रघुराम ने एक किताब जो है, जो मैनेजमेंट के ऊपर में काफी लेक्चर देते रहते हैं, एक लेक्चर उसने कहा है कि बोले यदि आप समझते हो अपने आप को बहुत बड़ा आथर, तो बात बोले मेरे ध्यान रखना कि मुंबई के अंदर में सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे एक बच्चा किताबें बेचता रहता है, वो 10 किलो की किताबें लेके बेचता है, यदि उस 10 किलो में यदि आपका नावल है तो यू आर अ बेस्ट सेलर, अदरवाइज यू आर बिल्कुल बात सही बात है. तो वो जो पायरेटेड एडिशंस में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि तो दैट वन ईयर वाज अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर इन सो फार एज माय रीडिंग इज कंसर्न्ड एंड दैट एक्सपैंडेड हॉरिजन्स अ लॉट. सो माय फॉर्मेटिव ट्रेनिंग एंड गेस टू एट देन दिस फिनिशिंग ट्रेनिंग इन एसजीएस आईटीएस, इट हैड बीन अ लॉट इन माय करियर. तो इसका मतलब है कि कॉलेज लाइफ का आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है. डेफिनेटली. तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो जॉब में जो शिफ्ट हुआ, तो जब आप पहले जॉब में गए तो वो अनुभव कैसा था? एक्चुअली ऐसा हुआ पुनीत कि जो पहला जॉब जो मिल गया था वो तो कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट में ही मिल गया था, तो वो दैट आई वुड कॉल माय फर्स्ट जॉब, बट कोई सीरियस जॉब नहीं था. हाँ, नहीं, पर उस बाद मैंने पीजी ज्वाइन कर लिया. पीजी के बाद जो पहला जॉब. हाँ, पीजी ज्वाइन करने के बाद मैं अगेन आई वाज लुकिंग फॉर द जॉब्स, और उस समय जैसा कि ट्रेडिशन था कि आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज और द इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि मेरी जब इंजीनियरिंग हो गई थी तब मैं अंडर एज था सिविल सर्विसेज के लिए. ओके. मैं आई वाज नॉट इवन 21 व्हेन आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग, तो मेरे को इंजीनियरिंग पूरा उस समय मैं इंजीनियरिंग टेस्ट दे ही नहीं सकता था, लिया नहीं था. तो मैंने सोचा था कि एक चांस तो लाइफ में लेना चाहिए कि मुझे सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहिए. That was the reason कि I left that job and I joined this PG course कि यहीं पे रह के अच्छा माहौल मिलेगा, पढ़ते रहेंगे. We are looking for the job. तो engineering services का test का date आता, उसके पहले ही मेरा MPP के अंदर में जो है वो placement हो गया. अब being a state engineer in MPP, पूरी family तो thrilled थी कि बड़ा अच्छा सरकारी job मिल गया है और MP के MP में ही रहेगा, और मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव बोर्ड का स्टेट इंजीनियर्स की एक सोशल रेपुटेशन हुआ करती थी काफी. मैं इंटरनली थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उस समय. मुझे ऐसा लगता था कि यार किसी अच्छे बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहिए, सरकारी नौकरी क्या करना, एक थॉट. तो पहली पोस्टिंग मेरी आई भी कोरबा, और कोरबा जो है वो यदि मैं मनासा से गिनूं तो ऑलमोस्ट 40 आवर्स जर्नी है विदाउट क्रॉसिंग सिंगल स्टेट बॉर्डर. कोरबा जो है वो मैप पे भी मेरी फैमिली में किसी ने देखा नहीं था, और फिर मेरे को इतना मजा भी नहीं आ रहा था. लेकिन मैं GSTI में पढ़ता था, तो मैंने सोचा कि चलिए इस जॉब के बारे में MPP के कुछ ऑफिसर से पूछ लेते हैं. मुझे याद है यहाँ पे जो MPP का पोलो ग्राउंड है वहां पे मैं गया, और वहां पे किसी असिस्टेंट इंजीनियर के ऑफिस में मैंने जाके पूछा कि मेरे को ऐसा अपॉइंटमेंट मिला है, शुड आई ज्वाइन? मैंने कहा क्या विचार कर रहे हो, आर यू मेड? बोले व्हाई शुड यू नॉट ज्वाइन? तो मेरे को उसने तो मतलब एब्सोल्युटली हिज रिस्पांस वाज सो फर्म कि मुझे लगा कि यार मैं यदि इसको छोड़ दूंगा तो मैं मिस करूंगा, गलत हो जाएगा. व्हाई जॉइन दैट? तो जॉइन हो गए, तो जॉब में चले गए. अब जॉब के अंदर मैं पूरी एक चीज और मैं बताऊंगा. हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे, 5 साल पूरा पढ़ाई किए. फर्स्ट डे ऑन द जॉब, और मुझे लगा कि यार वो जो था थर्मल पावर स्टेशन वहां पे कोरबा के अंदर में, तो फर्स्ट डे हमको लगा कि विदाउट ट्रेनर हम लोग जाके पावर स्टेशन को देखते हैं. तो हम सोच रहे थे कि वो बॉयलर का बॉयलर ड्रम देख के आते हैं. हम 3 घंटे पूरे बॉयलर पे घूमते रहे, और हमको ये समझ नहीं आया कि इसका बॉयलर ड्रम कहाँ है. उससे बड़ी शर्म आई कि भाई मैंने यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की हुई है और मैं बॉयलर का बॉयलर ड्रम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ 3 घंटे. तो फिर मुझे ये भी समझ में आया कि रियली जो हम लोगों ने पढ़ा है वो बहुत थोड़ा है. There is a vast pool of ocean of knowledge which lies ahead. और यदि हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया नई चीजों के लिए, नए एनवायरनमेंट के लिए, तो मैं भी कि फिर हम लोग अच्छा कभी कुछ कर नहीं पाएंगे.
बिल्कुल वहां पे था। उसी के बाद में जस्ट फिर ये कि आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग वेरी सीरियसली, और 15 डेज इनटू ट्रेनिंग वहां पे एक बड़ा भारी इंसिडेंस हो गया कि ऑल ऑफ सडन जो है वो कोरबा वाज सीवियरली फ्लडेड। सीवियरली फ्लडेड हुआ तो ढेर सारी मशीनरीज में और बेसमेंट के अंदर में पानी गिर गया, और पानी गिरने के बाद वर्स्ट ये हुआ कि वो उन मशीनों को पानी में गिर जाने के कारण जो डीवाटरिंग पंप होते थे वो भी बंद हो गए, ओवर फ्लडिंग वर्स हो गई। ऑल ऑफ सडन सारे मैनुअल सिस्टम्स पे रात को उठ के जो है मैं अपने सुपरवाइजर्स के साथ में, ऑल्दो आई वाज ट्रेनिंग आई वाज नॉट सपोज्ड टू गो, लेकिन वो पूरा रात जो है मैंने लेबर्स के साथ में घूम के वहां पे बैठ के मैनुअल स्लुइस गेट खोलना, मैनुअल स्लुइस गेट बंद करना, वो सारा एक इमरजेंसी ऑपरेशन देखा। और तब मुझे लगा यार कि इंजीनियरिंग जो है एक्चुअली बेसिकली इट इज 20% टेक्निकल और 80% पीपल। ये एक क्राइसिस को, इमरजेंसी को जब आप हैंडल होते हुए देखते हैं तब भी समझ में आता है। फिर देन आई डिड वेल, इंजीनियरिंग में अच्छा ही चल रहा था मेरा, ऑल ऑफ सडन फिर वहां से मेरा पोस्टिंग सादनी हो गया। इंजीनियरिंग के अंदर में ये था कि जाने के बाद समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब ऑल्दो इट इज गुड, लेकिन यहाँ प्रमोशंस एटलीस्ट इनिशियल इयर्स में करियर के बहुत स्लो होते हैं। आई थिंक भी गवर्नमेंट करियर ज्वाइन किए हैं सारे लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे। वहां पे जो एक कह सके हायरार्की थी कि फ्रॉम असिस्टेंट इंजीनियर यू बिकेम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, देन एडिशनल चीफ इंजीनियर, देन चीफ इंजीनियर। तो चीफ इंजीनियर वॉज द अल्टीमेट एम एंड गोल ऑफ एवरीवन इन द बेंच कि समडे मे वी विल बिकम चीफ इंजीनियर व्हेन वी आर बिग एंड ऑफ आवर करियर। तो वहां पे समझ में आया कि ज्वाइन तो कर लिया है, आप असिस्टेंट इंजीनियर भी हो गए हैं, बट मे बी इट विल टेक 15 इयर्स फॉर यू टू गेट फर्स्ट प्रमोशन। Then we were sitting and chatting and having good time, सारे 15-20 लोगों का जो बेच था, हम सारे लोग बेचलर्स थे। तो एक दिन एक फ्रेंड लेके आया कुछ कि बोले एमपीबी ने एक बड़ा रेडिकल स्टेप लिया है। वो रेडिकल स्टेप ये लिया है कि इंजीनियर्स को जो है ना वो फाइनेंस में पोस्ट करना चाहते हैं। ओके, ये सवाल अभी आया भी था हमारी चैट में कि आप जब काइनेटिक एनर्जी और बाकी सब एनर्जी के बारे में इतना गहरे जा रहे थे तो आप फाइनेंस में क्यों गए? तो ये इट सो हैपेंड कि वो एक वो लेके आया कि बोले एमपीबी ने ऐसा सर्कुलर निकाला है कि बोले यदि फाइनेंस में चले जाएंगे तो फाइनेंस में प्रमोशन बड़े फास्ट हो जाते हैं। जो प्रमोशन पहला 15 साल में मिलने वाला है बोले फाइनेंस में जो है वो विदिन 3 इयर्स आपको मिल जाएगा। तो तब भी मैं कन्विंस नहीं था कि यार जस्ट बिकॉज की साला इंजीनियर बने हैं तो हमको क्यों फाइनेंस में बनना चाहिए, मैं पूरा कन्विंस तो था नहीं। लेकिन उस एज में जो बाकी सब कर रहे होते हैं वो आप भी करने लगते हैं। तो पूरे बेच के सारे 16 फ्रेंड्स थे हम लोग एक ही बेच के, सारे बेचलर्स थे, सब लोगों ने जो है वो उसका जो फॉर्म भर दिया। बाद में हमको पता चला कि एमपीबी के 500 इंजीनियर्स ने वो 25 फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जो पोस्ट है उनके लिए जो इंटरेस्ट हो किया, देयर वाज अ मेड स्क्रैम्बल फॉर दोस पोजीशन बिकॉज एवरीवन न्यू कि इट इज गोइंग टू गिव देम अ लेग अप इन करियर। तो उसके बाद फिर बड़ी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, बड़ी फेयरली कंडक्टेड हुई आउट से। तो उसमें मैं सारे फ्रेंड्स में से सिर्फ मैं ही जो है वो फाइनल लिस्ट में था। ओके, तो फिर एमपीबी ने मुझे जो 6 महीने के लिए मद्रास भेजा चेन्नई, और वहां पे एक इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च है, वहां पे हम लोगों को 6 महीने के लिए फाइनेंस और अकाउंट्स की बेसिक ट्रेनिंग दी और फाइनेंस के अंदर हम लोगों का पोस्टिंग हो गया। जब फाइनेंस में मेरा पोस्टिंग हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे मैं फाइनेंस का काम करूंगा तो नो डाउट सरकारी सिस्टम में तो ये पूछेगा नहीं कि आपके पास में कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, क्योंकि बनाया तो मुझे सरकार नहीं है, सरकार ने पोस्टिंग दिया है तो वो तो नहीं पूछने से रहा, लेकिन आई शुड हैव द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंस फील्ड आल्सो। ओके, तो तब फिर मैंने वहां पे ICW करना शुरू किया। अच्छा, जॉब में रहते हुए। ओके, जॉब में रहते हुए मैं इंदौर में मेरा पोस्टिंग था और मैंने ICW करना शुरू किया। तो मेरे साथ वहां पे ICW में करीब 25 बच्चे और थे जिन्होंने ICW मेरे साथ जो है वो करना शुरू किया था। मेरे बोर्ड के सारे स्टूडेंट थे, सिर्फ मैं ही जो था वो वहां पे जॉब में था, बाकी सबका फुल टाइम ICW ही करना था। पर 2 साल के अंदर में, करीब 2.5 साल में, मतलब मैं अकेला था जो कि वो ICW विदाउट एक भी बार फेल हुए पूरा क्लियर कर लिया, और मेरे साथ में जितने थे जिनका फुल टाइम काम ICW ही करना था उनमें से कोई भी मेरे साथ क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मैंने ICW कर लिया तो फाइनेंस का भी एक यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के लिए पॉज दूंगा सर। मैं पूछूं मतलब अब क्या हो रहा है कि आपने कहा कि भाई मैं हमेशा टॉपर था, मैं पहली बार में पीटी में हो गया, सब जगह पहली बार में हो गए, यहाँ पर भी
मतलब इतनी फाइनेंस में जाने के लिए इतनी तगड़ी कंपटीशन थी, उसमें भी आपको अकेले का सिलेक्शन हो गया, पूरी आईसीडब्ल्यू भी कर रहे थे तो आप फटाक से निकल गए, जबकि फाइनेंस आपका सब्जेक्ट ही नहीं था। नहीं था और जो आईसीडब्ल्यू करने आए होंगे, मैं मान रहा हूँ कि वो लोग फिनांस डोमेन से आए होंगे, और कॉमर्स बैकग्राउंड से आए थे। उसके बावजूद आप निकल गए। तो ये मैं इसको इतनी सहजता से नहीं जाने देना चाहता हूँ कि हो गया हो गया। सर क्या कारण रहे होंगे, मुझे कुछ बता सकते हैं कि मैं मतलब? बताऊंगा, एक ही चीज है यार वो, मतलब वो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, लेकिन एक जो क्यूरियस माइंड होता है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं वो आई डिड नॉट टेक दैट आंसर व्हिच वाज गिवन टू मी, ये मेरे साथ हमेशा से रहा है कि आई लाइक टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम द मोस्ट मोस्ट फंडामेंटल लेवल। मतलब तो उसके अंदर में, जैसे अकाउंटिंग के अंदर में, अभी आपने किसी को भी पढ़ाया हो, कभी भी किसी भी अकाउंटिंग के स्टूडेंट से पढ़ाया हो, तो अकाउंटिंग की शुरुआत वहां से करते हैं कि तीन बोले प्रिंसिपल से अकाउंटिंग के, उनको रट लो कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये बोले आप चीज रट लो बस। वो पूरी अकाउंटिंग का जो फाउंडेशन है वो इन तीन चीजों के ऊपर में खड़ा हुआ है। आई वॉज एब्सोल्युटली डिससेटिस्फाइड विद दैट आंसर। फिर समझ में आया कि यार ये साला एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर में कभी इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट लिख देते हैं, कभी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट लिख देते हैं, फिर डेबिट क्रेडिट पूछने जाओ तो अगेन दे विल ट्रांसफर दैट टू दोस ये थ्री बात, ये बात प्रिंसिपल। सही। कभी तो असेट लायबिलिटी बन जाता है, कभी हाँ लायबिलिटी बोले असेट बन बोले जाता वो बस आप रट लीजिए। अब वो मुझे बिल्कुल रटना पसंद नहीं आया, फिर है। मैंने सोचना शुरू किया फंडामेंटल लेवल पे। तो रियली वो उन तीन प्रिंसिपल्स के पीछे का जो मोस्ट फंडामेंटल लेवल का जो लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग था, और जो मेरे को तो छोड़िए वहां के टीचर्स को भी किसी को नहीं क्लियर था कि ये तीन प्रिंसिपल आए कहाँ से, किसी ने भगवान ने तो किसी बनाया नहीं है। तो वो जब मैंने उसकी फंडामेंटल लेवल अंडरस्टैंडिंग कर ली, तब मेरे को समझ में आ गया कि तीन प्रिंसिपल आए क्यों है और ये ऐसे ऑपरेट होते क्यों है। ये तो ये मतलब हर जगह आप ये तो सोच रहे थे कि ये जो दिया हुआ आंसर है वो तो सही नहीं है, हाँ इसके पीछे सही भी होगा तो उसके पीछे की कहानी क्या है मतलब? एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस, मतलब इतना भी मैं तुमको बता सकता हूँ कि एक पेपर हुआ करता है आईसीडब्ल्यू में इनकम टैक्स का। अब डेट डे एक बड़ा पर्सनल इशू हुआ कि माय सन वाज बोर्न और मैं रात को समझी कि 2 बजे तक हॉस्पिटल में था। एक और फ्रेंड है संजय अग्रवाल, मेरा बेंचमेट ही, उस समय शायद वाइफ को ब्लड की जरूरत ना पड़ जाए, तो ही वाज देयर एट द बेक एंड कॉल। मैं रात को 2 2:30 बजे तक हॉस्पिटल में रहूंगा, माय सन वाज बोर्न लेट इन द इवनिंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9:30 पेपर था। उसके पहले का जितना भी है हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल, यू यू कैन अंडरस्टैंड जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आई हैड एब्सोल्युटली नो टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट पेपर। मॉर्निंग में 9:30 पर आज आई वाज आस्किंग माय सेल्फ कि मुझे जाके पेपर देना चाहिए कि नहीं। मैंने सोचा यार चलो फीस तो भरा ही हुआ है, देख के तो आ जाता हूँ पेपर। फिर वहां पे इनकम टैक्स का पेपर सामने है और आपको एक्ट के हिसाब से आंसर्स लिखने हैं। मैं तुमसे बता सकता हूँ ऑनेस्टली कि 50% चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में मेरे पास आंसर का कोई क्लू नहीं था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यदि मैं इनकम टैक्स एक्ट बनाता तो मैं इस ट्रांजेक्शन का क्या करता। फिर बेस्ड ऑन माय थॉट प्रोसेस ओनली आई स्टार्टेड राइटिंग द आंसर्स, और उस पेपर में मैं न सिर्फ पास हो गया, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए। और आईसीडब्ल्यू में एक रूल है कि यदि इंडिविजुअल पेपर में पास हो जाए तो भी, यदि मिनिमम 50% यदि आपका एग्रीगेट नहीं है तो आप फिर से सारे पेपर दीजिए। उस पेपर में हाँ, सबसे ज्यादा मार्क्स आए इसलिए मेरा मिनिमम एग्रीगेट क्लियर हो। तो क्या बात है। मैं ये एम्फसाइज करके कहना चाहता हूँ कि एक स्टडी का तरीका होता है मार्क्स मार्क्स लाने का, एक स्टडी का तरीका होता है समझने का। मैं आई थिंक आई वॉज मोर ऑफ लेटर ऑलवेज, बहुत मतलब कई अच्छा, बार मतलब उसके कारण मेरे मार्क्स कम हुए होंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ, ये कई भी, बार हाँ कम हुए होंगे। ये भी हुआ होगा, सही हाँ बहुत बात बार है। हुआ होगा ऐसा कि मैं बिल्कुल अपने आप को पेरिफेरल चीजों में उलझा लिया और ऐसा लगता है कि वो जो मार्क्स के लिए फोकस करने वाली तैयारी थी वो नहीं की हुई। पर सर उसके कारण आपका जो फंडामेंटल इतने मजबूत हुए होंगे और आपका फाउंडेशन इतना मजबूत हो गया कि आज आप वहां खड़े हो जहां आपको हाँ मतलब होना चाहिए। अप्रोच यही था उस समय भी, एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम आई पास एम सो करके। हैप्पी कि मैंने आपको बीच में रोक के वो सवाल पूछा, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ कि ऐसा अचानक से तो नहीं होता है कि बस ये गॉड गिफ्ट तो है नहीं कि बस होता चला जा रहा है, सफलता मिलती चली जा रही है। तो आई थिंक दिस संवाद इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट इन गेसू, जो कहीं भी होंगे। आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम। सो तो अब ये बताइए सर कि जाहिर है कि
ICW भी आपने पास कर लिया, तो यू वेंट वन स्टेप अहेड, तो बोलते हैं यू वेंट द एक्स्ट्रा माइल कि मैं फिनांस में हूँ तो मुझे फिनांस का जानकारी होना चाहिए, मुझे उसकी कुछ डिग्री उसकी अपने हाथ में। हाँ, अदरवाइज मेरे पास ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग था, पीजी इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट था, आई थिंक दोनों अच्छी बड़ी डिग्रियां प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि तो ये फिनांस की दुनिया में वहां पे जब आप थे तब वहां पे अब आपको उछाल कैसे मिली? उसके बाद फिर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा मैं इसका। सर हमारे पास बहुत टाइम है। जब फाइनेंस में मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो अगेन मेरे को सबसे डिफिकल्ट वाला असाइनमेंट मिल गया, वो होता है ऑडिट का असाइनमेंट। और ऑडिट में यदि एमपीपी के सेटअप को या किसी भी आदमी को जो किसी छोटे गांव में रहा है, तो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो ऑपरेट करता है, उसका लोएस्ट लेवल का ऑफिस होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो मुझे काम मिल गया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऑडिट का, जो कि मतलब इतना इतना कहना चाहिए कि पर्सनल लेवल पर टैक्सिंग हुआ करता है। एक तो ये है कि ऑडिट करना मेरे जो बाकी सारे कामों की तुलना में मेरे को ना ऑडिट करना कभी पसंद नहीं आता। ऑडिट मतलब बेसिकली यू आर इनटू फैक्ट फाइंड फॉल्ट फाइंडिंग, तो मेरे नेचर को तो मैच करता नहीं था। पर उसके अलावा भी जो ये है कि वो दैट वाज गोइंग एवरी डे टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड आस्किंग फॉर रिकॉर्ड्स एंड डेट, और दूसरा में उसके लिए हम लोग का ट्रेनिंग भी नहीं हुआ था। ट्रेनिंग हुआ था फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए, मेरी अकेले की पोस्टिंग ऑडिट में हो गई, तो वो ऑडिट मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। प्रॉब्लमेटिक तो हुआ पर्सनली, 6-8 महीने तक मैं उस असाइनमेंट में काफी पर्सनली फिजिकली पजल्ड हो गया। और उससे क्या हुआ पुनीत, कि वहां पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की वर्किंग को एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बहुत क्लोजली देखा, जो मेरे साथ दूसरे इंजीनियर्स फाइनेंस में आए थे उन लोगों ने नहीं देखा। ओके, तो वो आपको बहुत बाद में समझ में आता है कि आपका प्रोविडेंस जो है, जो आपको क्या मिल रहा है और आप उससे क्या कर रहे हो, ये पता नहीं आपको कब और कहाँ कैसे काम में आएगा। तो उसके बाद जब मेरे फाइनेंस में पहला पोस्टिंग ये हुआ, उसके बाद में फिर नेचुरली एट ए लेटर स्टेज में जब डिप्टी डायरेक्टर वगैरह बन गया, तो डिप्टी डायरेक्टर बनने के बाद क्या हुआ कि दो चीजें एक साथ हुई, एक तो एमपी का बाइफर्केशन हुआ एमपी और छत्तीसगढ़ में, और दूसरा ये हुआ कि एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, तो एमपी ईपी के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की 3 अलग अलग कंपनियां बन गई, जिनमें से एक थी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एक पूर्व में भी थी और एक मध्य में भी। तो अब ये 3 जगह 3 कंपनियां बन गई। मैं एमपीवी के कॉर्पोरेट ऑफिस में तब जो है डिप्टी डायरेक्टर बजट हुआ करता था, तो पूरे एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो इंटायर रेवेन्यू और कैपिटल बजट है, पूरे साल की ग्रांट्स और गवर्नमेंट की फंडिंग और एवरीथिंग, वो मैं वहां पे कॉर्पोरेट ऑफिस में मेंबर जो फाइनेंस हुआ करते थे उनके स्टाफ का एक हिस्सा था, तो मुझे पूरे सेक्टर का एक रिंग साइड व्यू वहां मिल जाया करता था। तो जब ये बाइफर्केशन हुआ तो नेचुरली सारी कंपनियों ने कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस के ऑफिसर्स की डिमांड की, तो मेरी चॉइस भी इंदौर थी, उन्होंने मुझे इंदौर भेज दिया। बट इट हैपेंड कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैंडलिंग द असाइनमेंट वेयर फार लेस देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि जबलपुर से जब कॉर्पोरेट ऑफिस से यहाँ पे लोग भेजे गए तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 4 या 5 ऑफिसर्स आ पाए। जबलपुर में कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ही बड़ा सेटअप रहा था, 25-30-40 लोग काम किया करते थे ऑफिसर्स के, इंक्लूडिंग अस इंजीनियर्स ओवर ग्रुप। तो वहां से उनने 4-5 ऑफिसर्स को जबलपुर से इंदौर ट्रांसफर किया, तो आई वाज वन अमंग देम। तो यहाँ पे सेटअप कुछ इस तरह का था कि एक एडिशनल डायरेक्टर हुआ करते थे, उसके नीचे हम 3 डिप्टी डायरेक्टर्स जो कि इंजीनियर एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स थे, नीचे एक अकाउंट ऑफिसर हुआ करता होगा और फिर कुछ क्लर्क्स। ये सेटअप था, उस सेटअप में मैंने ज्वाइन किया। अब उसके बाद मेरा रियल टेस्ट और लाइफ का मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटिवली सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया, नॉट बिलीव पुनीत, कि ऑल ऑफ सडन छत्तीसगढ़ जिन लोगों को जाना था, गवर्नमेंट ने उनको वन फाइन मॉर्निंग जो बहुत दिनों से पेंडिंग था एक ऑर्डर निकाल के रिलीव कर दिया। तो मेरे 3 डिप्टी डायरेक्टर में से 2 फ्रेंड छत्तीसगढ़ चले गए। ओके, अकाउंट ऑफिसर का जो है वो मेरा बॉस था एडिशनल डायरेक्टर, उसने किसी कारण से नाराज होकर उसको ट्रांसफर कर दिया था, तो वो चला गया। उसके बाद मेरे एडिशनल डायरेक्टर से मेरे एमडी नाराज हो गए, तो उन्होंने उसका ट्रांसफर कर दिया जबलपुर और बच गया मैं अकेला। ओके, नाउ कैन यू इमेजिन, हियर इज ए कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो इट वाज हैविंग 8,000 करोड़ रेवेन्यू, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज रिक्वायर्ड टू गिव सैलरीज टू 12,000 पीपल, at that point of time it was required to handle entire finance account audit taxation project everything, and I was the sole officer
who was left remaining in the finance. Now you can imagine my predicament. I was not even knowing कि जब वो अकाउंट ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया और अगले दिन एमडी ने नाराज होकर जब इनका खुद का एडिशनल डायरेक्टर का ट्रांसफर कर दिया तो मैं ट्रेजरी देखता नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि एमपीएलएट्स की बोर्ड की ये जो मेरी कंपनी है इसका किन बैंकों में खाता है और उसमें कितने पैसे यू कैन मतलब वो मैं बता नहीं सकता वो क्या फीलिंग है. ऑल ऑफ सडन जो है ऐसा लगता है कि कल तक तो आप जो है एक बड़े जहाज पे चल रहे हैं और आज लगा कि सारा जहाज में छेद हो गया और एक छोटी डोंगी में आप बैठे हुए और डूबने के कगार पे. क्या बात वो सबसे बड़ा चैलेंज था उसको मैंने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल लिया अपने करियर के. क्या बात. इमीडिएटली जब मुझे लगा कि ये तो देयर इज नो पॉइंट इन क्रीमिंग अबाउट दिस कि मेरे पास ऑफिसर्स नहीं है क्योंकि कोई मुझे देने की स्थिति में भी नहीं है. जो छत्तीसगढ़ जा रहे थे वो जा चुके हैं. एडिशनल डायरेक्टर जो इससे इतने नाराज हो चुके हैं कि उसको वापिस लेंगे नहीं और मेरे पास में जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है. अगेन आई डिड द बेस्ट थिंग. जैसे मुझे लगा कि एमपीबी ने ट्रस्ट रखा था कि इंजीनियर लोग फाइनेंस हैंडल कर सकते हैं मैंने वहां पे अपने इंजीनियर मित्रों से बात की और उनसे कहा कि यार तुम लोग को मैंने थोड़े टाइम के लिए फाइनेंस में मैं कुछ काम कराना चाहता हूँ प्लीज ज्वाइन मी. क्या बात है. वो मेरा रेपो उन लोग के साथ में ऐसा था कि वो लोग मेरे साथ में कुछ दो तीन इंजीनियर्स को मैंने ले लिया. कुछ कोर फाइनेंस के काम जो है टैक्सेशन ऑडिट या कोर अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ काम के लिए मैंने आउटसाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स की मदद ले ली. दैट वाज ऑफ कोर्स नॉट गुड इनफ बट वो मेरे को ना एक 6-8 महीने का ब्रेदर देने के लिए अफ्लोट रख लिया उसने. तो वो सबसे पहला काम तो मैंने वो किया. दूसरा काम फिर इमीडिएटली मैंने किया कि आई नीड टू क्रिएट ए डिपार्टमेंट एंड दैट टू फ्रॉम स्क्रैच. तो आई नीड टू रिक्रूट द पीपल एट द बॉटम मोस्ट रंग ऑफ द लैडर एंड देन आई नीड टू ग्रूम देम एंड ट्रेन देम टू टेक ऑन बिगर रोल्स. अब मेरे पास में ट्रेजरी है, मेरे पास अकाउंट है, मेरे पास प्रोजेक्ट फाइनेंस है, मेरे पास सैलरी है, मेरे पास दूसरे एवरीथिंग मतलब जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2000 मेरे ख्याल से 2004 के आसपास की बात होगी पुनीत. उस समय का 8,000 करोड़ का टर्नओवर आई थिंक इट मैटर्स सर बहुत ज्यादा. और आप नौकरी कितने साल की थी आपके उस वक्त करीब करीब? मैं हार्डली देखिए मैं आया था यहाँ पे 89 में ना तो रफली 20 साल की रही होगी. 15 से 20 साल के बीच का कुछ रहा होगा एक्सपीरियंस. मतलब जनरली देखा जाए तो आप मिडिल मैनेजमेंट में कहीं तो, हैं हाई तो एमडी कार्ड में कि बोले मैंने एडिशनल डायरेक्टर को तो मैंने ट्रांसफर कर दिया. आई डोंट हैव एनी वेदा नेम. आई एम मेकिंग यू मैं डिप्टी डायरेक्टर था बोले आई एम मेकिंग यू गिविंग यू करंट चार्ज ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर सीएफओ टू व्हाटएवर. अब दैट वाज अ फेट अकम्प्ली. फिर मैंने कहा देयर इज नो पॉइंट इन क्रिबिंग लेट मी डू समथिंग. तो एज आई टोल्ड यू कि इमीडिएट मैंने कुछ लिया पैलिएटिव्स और रिलीफ. इसके बाद मैं आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कि मुझे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाना है. तो आई स्टार्टेड विद ट्राइंग टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट बट इट सो हैपेंड कि वहां पे जो स्थिति मेरे डिपार्टमेंट की थी वही प्रोक्योरमेंट की थी, वही कमर्शियल की थी, वही आईटी की थी. किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर में कॉर्पोरेट फंक्शंस को हैंडल करने वाले लोग थे ही नहीं. तो जब मैं अपना बना रहा था तो मेरे को एमडी ने कहा कि नहीं तुम पूरी कंपनी का बनाओ. अब सोचिए वो कोर एचआर फंक्शन है. एचआर को नहीं देके वो काम मुझे मिल गया. बोले आपने फाइनेंस का तो बनाया है लेकिन दैट इज नॉट इनफ फॉर मी. बोले पूरा बना तभी मैं अप्रूव करूंगा. तो मैंने बैठ के पूरी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया. मैं तुम्हें बता रहा हूँ पुनीत 20 साल हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को. वो आज भी वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वही स्टाफिंग के नाम से आज भी वही काम कर रहा है. मैं अभी जब सोच रहा हूँ बिकॉज सर आई एडवाइस सम एचआर कंपनीज एचआर टेक कंपनीज और मैं सीएचआरओ के साथ काफी बात करता हूँ काम करता हूँ. तो मतलब एक तरह से मतलब वो सीएचआरओ का रोल है दैट इज सच ए चैलेंजिंग रोल. मतलब जो लोग एचआर में बरसों काम करते हैं वो भी वो काम ठीक से नहीं कर पाते. एंड आपको करना पड़ा ऐसा बोल रहा हूँ एंड देन यू डिड इट. हाँ करना पड़ा. तो उसमें एक चीज और भी थी कि बहुत सारे काम करने के लिए मतलब वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट पहले जो है वो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूके के फिर कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के और उसके बाद में जो है वो पीडब्ल्यूसी केपीएमजी अर्नस्ट एंड यंग आर्थर एंडरसन ये सारे लोग जबलपुर में मेरे संपर्क में कॉर्पोरेट फंक्शंस में आया करते थे. उनमें से कुछ लोग जो है वो बाद में यहाँ पे भी आए.
बट उन सबको एक नोडल पर्सन की जरूरत थी, फोकल पर्सन की जरूरत थी जो कंपनी को समझता हो। तो सारे के सारे लोग का जो है वो बिना मेरे डिजायर किए जो है आई बिकम देयर नोडल ऑफिसर, देन आई बिकम जो है ना जिसको बोलते हैं ना कि कंपनी का डीएनए कोड लिखना है। मैंने कंपनी के बजटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश किए, आज भी वही काम आ रहे हैं। 20 साल पहले मैंने जो उसका ओएस बनाया था, आज भी वही काम आ रहा है। उसके बाद भी धीरे धीरे वो फॉर्मेटिव ईयर थे एमडी। या पे फिर मैं आपकी इजाजत से एक पॉज लूंगा यहां पे सर। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सर कि आपके जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे होंगे, मतलब एक है कि उनसे नाराज हो गए, उनको निकाल दिया, तो ये ऐसा है कि नाराज बिना बात में नहीं हुए होंगे या हुए भी होंगे तब उनको शायद ये भरोसा होगा कि मैं इनको निकाल भी दूंगा तो मनोज जी ये काम कर डालेंगे। क्योंकि देखिए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे, मतलब आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया तो क्या रहा हो? कुछ ऐसा था पुनीत की, एक तो ना मेरी ये आदत है कि कॉर्पोरेट सेटिंग में पर्टिकुलरली यदि मैं किसी से कोई काम करने के लिए कहता हूँ तो मैं पहले ये इमेजिन कर लेता हूँ कि उसकी जगह मैं होता तो मेरे क्या कंसर्न्स होते। तो मैं जनरली देख वो एक एक सेकंड नेचर, एक हैबिट है मेरी कि मतलब आई व्हेन आई एम स्पीकिंग टू समवन तो आई लाइक टू पुट माय सेल्फ इन हिज शूज। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जब उसका पेन पॉइंट है कि मान लो कोई प्रोजेक्ट वाला मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है, मैं फाइनेंस में बैठ के यदि कॉन्ट्रेक्टर्स के पेमेंट को टाइम से इंश्योर नहीं करा पा रहा हूँ तो उसका प्रोजेक्ट सफर होगा, और फाइनेंस वाला तो ऑलरेडी कैंस है कि मेरे पास ये 5 कागज नहीं थे तो मैं नहीं जानता तुम जानो। अब मेरे साथ ऐसा हुआ करता था कि मैं समझता था कि मैं फाइनेंस फाइनेंस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, फाइनेंस तो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि कंपनी है और कंपनी को चलाने के लिए प्रोजेक्ट भी जरूरी है। तो यदि मुझे प्रोजेक्ट कराना और प्रोजेक्ट वाले का कोई कंसर्न है तो आई शुड बी एक्चुअली ए फैसिलिटेटर इन रिजॉल्विंग द इशू रादर देन ए प्रॉब्लम क्रिएटर। सर सब सब फाइनेंस वाले आपके जैसे हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि सब कंपनियों में लोग फाइनेंस वालों से बड़ा डरते हैं। एचआर फाइनेंस यही काम ही ऐसा है, कुछ तो बनाना पड़ता है। मतलब लोग उनको है ना स्पीड ब्रेकर समझते हैं कि बस सब अच्छा चल रहा है लेकिन हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो अटक जाएगा। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट। तो उसमें क्या है कि ना मेरी एक्सेप्टेबिलिटी मेरे कारण हुई हो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि एमडी को एडवाइस करने वाले सारे आसपास के लोगों ने बोला होगा, ऐसा मेरा फीलिंग है। मतलब यू रियली व्हेन यू हैव बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड एवरीवन नोज यू इन ए डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम सेइंग वो 360 इवोल्यूशन तो होता ही है सर। exactly. वो 360 इवोल्यूशन भले ही फॉर्मली नहीं होता है लेकिन इनफॉर्मली तो होता ही है। वो ही जाता है लंबे समय तक। तो फिर क्या हुआ कि फाइनेंस का टीम को मैंने जो है स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन रिक्रूट करने से लगा के उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्लेसमेंट, ये सब मैंने की। और मीनवाइल जो कंपनी के दूसरे फॉर्मेटिव काम थे वो पैरेलल में चलते रहे, जितने भी कंसल्टेंट्स थे उनके साथ में कंपनी के इनिशियली टू पुट द कंपनी ऑन इट्स लेग जितने भी काम करने थे मैं उनके अंदर में बड़ा एक क्रूशियल मेरा रोल रहा सभी में। देन 3 साल के बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा फाइनेंस तो ऑटो पे चलने लगा है, अब उसके अंदर में मेरा इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है और उसके अंदर में मेरा इतना टाइम भी नहीं लगता है। नेक्स्ट इज व्हाट। जब मैंने ये सोचना शुरू किया तो मैंने कहा कि यार ये सरकारी विभाग के अंदर में जिस तरह का फाइनेंस होना चाहिए रफली उसको डिलीवर करने के लिए तो मैंने डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जो मेरे जितने भी विभाग के स्टेक होल्डर्स हैं, बी इट टैक्सेशन पीपुल, बी इट बैंकिंग पीपुल, बी इट माई वेंडर्स, बी इट माई जो है कंज्यूमर्स, जितने लोग हैं वो बहुत रेपिडली कंप्यूटेशन कर रहे हैं, और यदि हम लोग कंपटीशन नहीं करेंगे तो फिर तो हम लोग जो है वो बिल्कुल इस टाइम से पीछे छूट जाएंगे। और जितने मेरे स्टेक होल्डर्स हैं और पर्टिकुलरली जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, यदि मैं रेगुलेटरी कंप्लायंसेस नहीं कर पाऊंगा और वो लोग जो है यदि कंप्रोमाइज हो जाएंगे तो फिर तो मेरी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये जब मुझे फील आई तो फिर मुझे लगा कि यार अब नेक्स्ट बड़ा काम जो करना है वो है कि पूरे कंपनी के अंदर में हमको ना एक ईआरपी सिस्टम लागू करना चाहिए। वो इस सेंस में ऑडिशियस था कि मैं सिर्फ उस समय जॉइंट डायरेक्टर था कंपनी में, तो एक बार हायरार्की वाइज व्हाट यू वुड कॉल अ मिडिल मैनेजमेंट पर्सन। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में ईआरपी के फेलियर होने का परसेंटेज मोर देन 50% होता है। शुरू तो कर देते हैं विच मत फैनफेयर और पैसा वैसा तो सब
खर्च हो ही जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कभी भी कुछ अचीव नहीं होता है। नहीं, वो प्रोसेस ही सेट नहीं होती ना सर। कुछ भी नहीं होता है वो, मतलब तो वो ईआरपी को लगाए नहीं लगाए, मैं खुद भी इंटरनली जो है ना वो डबल माइंड में था, लेकिन फाइनली मैंने कहा यार, तीसरी चीज ये कि यार जब सब चीजें अच्छी चल रही है, सारा लोग आपको मतलब कोई बुरा नहीं कह रहा है, आपके काम की तारीफ होती है, ऐसे में कोई एक प्रोजेक्ट आप ऐसा उठा ले जो बाद में जो है पता चला कि डिलीवर नहीं हो पाया, तो इट विल कम बैक ऑन यू। वो मन में वो दुविधा भी थी, वो डर भी था, पर फाइनली मैंने ये सोचा कि यार यदि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इफ नॉट मी। टैक्सेशन वाले मेरे से डील करते हैं, बैंकिंग वाले मेरे से डील करते हैं, सैलरी मुझे पे करना होती है, ईपीएफ को मुझे देखना होता है, प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को मैं डील कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है और वो कंप्लाइज होगी तो मेरा तो उसमें की स्टेक होल्डर हूँ, मुझे चाहिए। जब मुझे चाहिए तो फिर मैंने बात की एमडी से, एमडी सेट की बजट। अब उस समय जैसा मैंने कहा कि आई हैड माय हैंड्स इन मेनी पाइज, तो उस समय हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है करीब 500 बिलियन डॉलर्स की जो लोन निगोशिएट कर रहे थे। क्या बात। तो उसमें भी ये हुआ कि ऑल्दो मैं उस समय हार्डली डिप्टी डायरेक्टर ही रहूंगा, तब तो मैं जॉइंट डायरेक्टर भी नहीं बना था, लेकिन मैं जो एमपी मध्य प्रदेश स्टेट की जो लोन निगोशिएटिंग टीम थी उसमें वेस्ट डिस्काम से अकेला ऑफिसर था और मेरे ख्याल से उस पूरे ग्रुप में सबसे यंगेस्ट ऑफिसर था, और वो मैं हम लोग दिल्ली के अंदर में और मनीला में इनसे 500 बिलियन डॉलर्स के लोन को निगोशिएट कर रहे थे। और उस कमरे में जब मैं बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि चाहे जो मेरा इनएक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा चीजें समझ में आ रही है जो कि बाकी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। इट यूज टू हैपन लाइक दैट। तो फिर हम लोगों ने वो जब लोन निगोशिएट कर लिया तो लोन के अंदर में आईटी का कोई कंपोनेंट था नहीं। उससे कहा कि चलो करना है करो, तो बजट तो मैंने कहा कि दूसरी जगह के जो फेल प्रोजेक्ट हो चुके थे हमारे यहाँ पे, मेरी सिस्टर कंपनीज में जो मध्य क्षेत्र में या पूर्व क्षेत्र में, आपको मेरे कंसल्टेंट फ्रेंड्स थे उन लोगों ने कहा एक बालपार फिगर साइज में बता देता हूँ, मेरे यहाँ पे ईआरपी यदि लगना था तो रफली 600 के आसपास डिफरेंट ऑफिसेस लोकेटेड एट 600 डिफरेंट प्लेसेस, जिसके अंदर में मेरे को कम से कम 3000 लोगों को ट्रेनिंग देना है, 2 से 2500 लैपटॉप और डेस्कटॉप लगने हैं, पूरा डाटा सेंटर बनना है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनना है, नेटवर्किंग गियर लगने हैं और पूरा सॉफ्टवेयर जो एक बिजनेस सूट है वो लगना है और ऑल दैट। तो एक रफली बजट का एस्टिमेट मिला 100 करोड़, तो एमडी सेट की 100 करोड़ तो है नहीं कि बोले कहाँ से लाएंगे, तो गवर्नमेंट से बात किया, गवर्नमेंट के पास में भी आईटी का कोई बजट नहीं था। फिर मैंने ये कहा कि सर ये जो एडीबी का लोन निगोशिएट कर रहे हैं इसके अंदर में इतना इतना तो कंटीजेंसी का प्रोविजन है, इतना इतना यहाँ पे से हम लोग सेविंग करके सर करीब आप मेरे को जो है ना करीब 35-40 करोड़ रुपए दिला दो, तो मैं अपना जो कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है वो स्केल डाउन कर लूंगा, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक कंपटीशन ना करूं, मैं एटलीस्ट जो है वो डिवीजन ऑफिस तक कंपटीशन कर दूं, लेकिन कुछ न कुछ तो मैं कर दूंगा। तो यू एग्री फॉर 35 करोड़? बोले ओके। 35 करोड़ के बजट का हम लोगों ने जो है ऐसा ही जो जेब की चिल्ड्रन निकाल के एक तरीके से कह सकते हैं आउट ऑफ दैट 500 मिलियन डॉलर निकाला। अब निकालने के बाद में मेरे को रियली नहीं पता था कि मैं कितने बड़े ट्रबल में पड़ने जा रहा हूँ। ये मैं कह सकता हूँ कि लाइफ में ना एक आदमी को एक से ज्यादा ईआरपी कभी करा लेनी चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो हुआ ये कि भाई ईआरपी करना है तो करना है, तो कोई टेक सपोर्ट नहीं है, आईटी को कोई जानने वाला भी नहीं है। फिर एक छोटी मोटी टीम स्क्रेम्बल की, उनमें मेरा ही एक बेचमेट और अपना ही गेस वाइट, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड सुनील पटौदी करके है, इकलौता बंदा है जो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ज्वाइन किया था। तो मैंने उसको लिया साथ में, कुछ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको लिया। फिर हम लोगों ने ना देखना शुरू किया कि हमको करना है तो करना क्या क्या है और क्या क्या पड़ेगा। तो हमने फिर स्टेट डाटा सेंटर विजिट किए, हमने नेटवर्किंग गियर्स देखे, हमने जहाँ ईआरपी हो चुका था उन कंपनियों को देखा, हमने लोगों से बात की, फिर समझ में आया कि टास्क तो ह्यूज है, ह्यूज मतलब ह्यूज, और वी विल नीड मच मोर रिसोर्सेस। लेकिन अब हम कमिट कर चुके थे और रिसोर्सेस कुछ थे ही नहीं। तो जो 4-5-6 लोगों की छोटी मोटी टीम थी, हम लोगों ने जब बिड बनाना शुरू किया, कुछ कंसल्टेंट्स की हेल्प ली, बिड बन गई। तो बिड के अंदर में कंसल्टेंट ने बिकॉज ऑफ माई ओन लेक ऑफ एक्सपीरियंस ये प्रपोज किया कि सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग वेंडर ले लेते हैं।
उससे क्या होगा कि दोनों काम करने के लिए हमारे पास में इकोसिस्टम में मैच्योरिटी नहीं है, ऐसा मुझे तर्क दिया। मैंने भी मान लिया, अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था भाई। तो फिर क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर का ऑर्डर जो है देश की एक बड़ी भारी प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी को मिल गया, और हार्डवेयर जो डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाना है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। एक हैदराबाद की कंपनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर में यू हैव टू गो बाय L1, तो जिसने कोट कर दिया यू कैन ओनली वेरीफाई देयर क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स प्रॉपर हैं जो कि उस कंपनी के थे, तो उसको वर्क अवार्ड हो गया। अब इधर जो है हमारी बड़ी नामी गिरामी सॉफ्टवेयर कंपनी ने तो अपना सॉफ्टवेयर जो है ओरेकल 12i ERP बिजनेस सूट जो है उसको हमारे हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए जो नीड एनालिसिस और एज स्टडी और टू वी स्टडी और ये प्रोसेस और वो प्रोसेस और ये कोड और ये स्क्रीन और ये वो सब करना शुरू कर दिया। और इधर जो है मुझे डाटा सेंटर बना के देना था जिसपे वो सारा सॉफ्टवेयर पोर्ट होना है। वो डाटा सेंटर बनाने के लिए हार्डवेयर के लिए सप्लाई करने की जो कंपनी को काम मिला वो भाई जो है हिलने को तैयार नहीं। वो हैदराबाद से मीटिंग तक के लिए नहीं आता यहाँ, काम ही नहीं कर रहा। फिर हम हैदराबाद गए, पता लगाया तो पता चला कि भाई ये कंपनी तो बड़ी भारी किसी फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ी हुई है और इससे काम होगा नहीं। तो वी वेर एट द वर्ज ऑफ कैंसिलिंग इस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल कर देता तो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी तो मेरे को कहती कि ये लो भैया CD पकड़ो सॉफ्टवेयर की, हमारा काम पूरा हो गया, बाय बाय नमस्ते, अब आप जानना। मुझे तो लगा कि मेरी भैंस पानी में गई भाई, ये काम अब नहीं हो सकता। फिर मैंने थोड़ा सा लेटरल थिंकिंग की तो मैंने उस कंपनी के MD को ढूंढ निकाला जो कि सामने आ रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि देख भाई यदि तू मेरा काम नहीं करेगा तो तू गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट से पैन इंडिया जो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, आई विल इंश्योर दैट। तो मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? बोले सर करना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे पास में ना तो फाइनेंस है और मेरी कंपनी बहुत ट्रबल में है। फिर पुनीत मैंने क्या किया कि एक दूसरे वेंडर को जो इस काम को कर सकता था उसको खोजा। फिर मैंने उन दोनों की मीटिंग कराई। फिर मैंने कहा यार तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया है, काम तुम्हें करना है, काम ये कर देगा, पैसे तुम्हारे यहाँ से आएंगे लेकिन इसको ये अश्योरेंस चाहिए कि वो पैसे इसको मिल जाएंगे। तो फिर मैंने क्या है कि बैंक वालों से बात करके एक वाटरफॉल एस्क्रू मैंने मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया कि मैं पैसे जो है तुझे दूंगा लेकिन तेरे खाते में आते ही इमीडिएटली इसके खाते में चले जाएंगे और सो देट की रिकवरीज, और वो काम कर देगा। जो हमको डाटा सेंटर 11 महीने में बनाना था, जनवरी से मुझे शुरू करके अगली 26 जनवरी पे खत्म करना था, मैंने 1 नवंबर को उस कंपनी के थ्रू काम करना शुरू किया। सर मेरी सॉफ्टवेयर की टीम जो है मेरे को कहने लगी थी कि सर हमारा तो 90% काम हो गया है, जब आपका डाटा सेंटर रेडी हो तो बताना, नहीं तो फिर हम तो जाएंगे। 1 नवंबर को काम शुरू किया पुनीत, यू विल नॉट बिलीव, मैंने फुल स्केल डाटा सेंटर 26 जनवरी को MD से इनॉग्रेट करा दिया। क्या बात। तो वो कुछ इस तरह से हुआ कि फिर मैंने ये नहीं देखा कभी कि रात को 2 बजे सामान आ रहा है कि 3 बजे, यदि सर्वर जर्मनी से चल रहे हैं तो मैं जर्मनी के ऑर्डर से ट्रैक कर रहा था कि कब जो है वो एयरपोर्ट के अंदर में आए हैं, कब जो है वो कस्टम के बॉन्डेज वेयरहाउस में गए, कब वहां से जो है वो आदमी उसको रिलीज करा रहा है, कब सर्वर यहाँ आएंगे, कब डिजीसेट आएगा, कब ये बैटरी डेंक आएगा। मतलब एक फुल स्केल डाटा सेंटर हमको बनाना था, कोई छोटी चीज थी नहीं। हाँ, बहुत बड़ी चीज, टेट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट और बिट्स एंड पीसेस होंगे। तो फुजित्सु के सर्वर आए जर्मनी की किसी फैक्ट्री से, ऐसे ही मतलब वो इंडिया के टॉप वेंडर से लिए थे हमने सामान, हमारे स्पेक्स तो बड़े अच्छे आई थे, वो कंपनी काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने वो काम उनसे करा लिया, फिर मुझे लगा कि यार चलो मैंने बड़ा अच्छा शाबाशी वाला काम कर लिया, आई शुड गिव अ पेट ऑन माई बैक। फिर उसके अंदर में नई समस्या आई भाई, तो एक लर्निंग ये है कि यू मस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द थिंग्स टू गो बैड, ऑलवेज एक्सपेक्ट कर, और कोई कोई प्लान भी होना चाहिए। वाटरफॉल मैकेनिज्म बनाया था कि जिसमें जिस एक्स कंपनी को कॉन्टेक्ट दिया है उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और वहां से वाई जिसने काम किया उसके पास चला जाएगा, तो एक्स कंपनी के खाते पे जो है इनकम टैक्स का एक अटैचमेंट ऑर्डर आ गया। अब सोचो मुझे काटो तो खून नहीं, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूंगा। तो रम भैया भारी उसके अंदर में जो है वो लीगल इतनी किताबें मैंने उस समय इनकम टैक्स एक्ट की पढ़ डाली होगी। फिर मैंने कुछ केस लॉज निकाले और जाके वहां पे चेन्नई में बैंक मैनेजर को समझाया कि यदि खाता एस्क्रोड है तो एस्क्रोड के अंदर में फर्स्ट चार्ज जो है वो एस्क्रो होल्डर का होता है,
ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। थैंक गॉड मेरी किस्मत अच्छी थी को बैंक मैनेजर मान भी गया मेरी लॉजिक से, तो वो पेमेंट जो मैंने उसको किए वो सीधे सीधे थर्ड पार्टी को पहुंच गए। बट यू शुड ऑलवेज आई मीन मतलब बिल्ड फॉर कंटिजेंसी एंड बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की सर, कि ऑलवेज एक्सपेक्ट कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, और जब आप उसके लिए तैयार होते हो तब सब अच्छा भी होता है। तो वो फिर उसके बाद फिर पुनीत क्या हुआ कि वो डाटा सेंटर मेरा बन गया, तो जो मेरे को सॉफ्टवेयर वाले ज्ञान दे रहे थे कि सर हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है और डाटा सेंटर कहाँ है, जैसे ही वो बन गया उनके सॉफ्टवेयर के अंदर में जब हम लोगों ने कमियां निकालना शुरू की, जो कि होती है लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई देखता नहीं है, और वो चल चल देते हैं ऐसे ही क्योंकि कोई ऑनरशिप नहीं होती है, जब उनने मेरे से डील किया तो उनके पसीने आ गए, उनको ना उसके बाद 8 महीने तक और काम करना, 8 महीने तक काम करना पड़ा। लेकिन उसके बाद पुनीत फिर जो है इस प्रोजेक्ट का वो रियल फेज इम्प्लीमेंटेशन का शुरू हुआ। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ मीटिंग की सॉफ्टवेयर होगा कैसे, प्रोसेस डिफाइन कैसे होगी, रोल किसका क्या होगा, ऑथराइजेशन किसका होगा, ऑथेंटिकेशन किसका होगा, ये तो हुआ एक सॉफ्टवेयर का पार्ट। सेकेंड पार्ट था जिन लोगों ने कभी लाइफ में माउस नहीं चलाया, ऐसे 3,000 लोगों की ट्रेनिंग करना, फिर 600 डिफरेंट ऑफिसेस के अंदर में उन पीसीस को इंस्टॉल करवाना, फिर उन पीसीस को कनेक्ट करने के लिए मेरे को उस जमाने में कहीं पे ये ऑप्टिकल फाइबर वगैरह की केबल नहीं हुआ करती थी, तो पूरा एक नेटवर्किंग सिस्टम बनाना था। मेरा बजट हो गया था कम, तो इनिशियली तो मैंने सोचा था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर नहीं करूंगा, बट उसी समय मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी ये मिली कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान नेटवर्क आ रहा था एमपी का, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था, उसमें गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो है हर जगह ब्लॉक लेवल पर टावर आवर लग जाए। ये वो जमाना था जबकि गवर्नमेंट का कोई और डिपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट की स्पॉन्सरशिप लेने को तैयार नहीं था कि हमें डाटा की जरूरत है, कोई नहीं कहता था। मैं उनके पास गए एमपी स्वान के जो है एमडी है उनके पास, कि मैंने कहा सर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे दे सकते हो? तो ये बात मोर देन एमपी कह रहे तुम ले तो लो यार, मेरा मुनासिब हो जाएगा। तो यू विल नॉट बिलीव, मैंने ना 150 टावर लगवा दिए उनसे फ्री में, एक नया पैसा एमपीपी का नहीं लगा। अरे क्या बात है। तो वो 150 टावर भी मैंने उसी पीरियड में लगवा दिए, तो मेरा नेटवर्क रेडी हो गया। तो मैंने जो प्रोजेक्ट को स्केल डाउन किया था वो मेरा इनिशियल एम्बिशन जो था वो मेरा पूरा अचीव हो गया, और कुल कितनी कास्ट में 3500। क्या बात, नो कास्ट ओवर रन, नो टाइम ओवर रन। और इस प्रोजेक्ट का स्केल देखो तो इसके अंदर में जो है वो 1200 जो है ओरेकल 12i ईआरपी बिजनेस सूट के लाइसेंसेस थे, 2000 के आसपास पीसी थे, फुल फ्लेज डाटा सेंटर था, डिजास्टर रिकवरी सेंटर था, नेटवर्किंग गियर थे, राउटर्स थे, स्विचेस थे, ट्रेनिंग थी, हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, और 5 साल के लिए ATS था। तो सर मतलब आप जब उसको डिस्क्राइब कर रहे हो ना तभी समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा काम था, और माइंडसेट चेंज करना, और जो सॉफ्ट चैलेंजेस थे वो तो थे जो, और जो चैलेंजेस आ रहे थे उधर देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंज अपनी जगह, डिप्लॉयमेंट के चैलेंज अपनी जगह, उसके पहले आपने जो फिनांस के माध्यम से लीगल जो आपने एक तरह से लड़ाई लड़ी, मतलब आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। हम सब की तरफ से आपको बहुत बड़ा मतलब मैं फिर से सलाम देता हूं कि वो अगेन दैट बिकम अ फाउंडेशन स्टोन फॉर समथिंग इवन बिगर। तो फिर वो जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो गया तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस प्रोजेक्ट के लिए मेरी कंपनी को, मुझे और मेरी पूरी टीम को गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने एक मैप आईटी अवार्ड दिया, जिसमें मुझे पर्सनली जो है गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने 1,00,000 रुपए का कैश चेक दिया। क्या बात है, लाल बहादुर शास्त्री जो जो एकेडमी है एकेडमी, वहां पे बड़ा भारी एक प्रोग्राम हुआ था ऑडिटोरियम में, और स्टेट आईटी मिनिस्टर और स्टेट आईटी सेक्रेटरी और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स थे, तो मुझे वहां पे वो पहला अवार्ड मिला। और उस समय में जो है वो ऑल ऑफ सडन जो पहले मैं इंजीनियर हुआ करता था, फिर मैं फाइनेंस हो गया, फिर मैं वो आईटी हो गया एक तरीके से, आई बिकम ए टेक गाय। ओके, तो फिर वो हुआ, ये मैंने ईआरपी भी करा दिया था इम्प्लीमेंट। अब तब तक मुझे फाइनेंस में ऑलमोस्ट 6 साल हो गए थे, और मैं फाइनेंस में CFO की जो हाईएस्ट पॉसिबल पोस्ट है तब तक वहां तक पहुंच गया था। But life was good, I was happy, content with my job, ऐसा कुछ नहीं था। All of sudden जो है एक दिन मेरे पास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे हमारे डिपार्टमेंट के, उनका फोन आता है कि बोले मनोज वो कमर्शियल के अंदर में वी वांट टू रिक्रूट समवन एज डायरेक्टर कमर्शियल ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोले कि तुमने इस पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि मैं तो फाइनेंस में हूँ। कितना साल हो गया? बोले 6 साल। नहीं, बोले बहुत हो गया 6 साल फाइनेंस में, अब तुम कमर्शियल करो।
अब कमर्शियल अगेन वाज एन इंजीनियरिंग फंक्शन इन दी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। मैं मतलब आई वाज टेकन अबेक बाय दिस, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वापस से जो है वो अगेन से इंजीनियरिंग साइड में भी जाना है, और कमर्शियल यदि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कोई भी समझता है तो वो जानता है कि कमर्शियल का मीनिंग क्या होता है। कमर्शियल का मीनिंग समराइज करूं तो 55 लाख लोगों को हर महीने बिजली का बिल देना है और उनसे पूरे पैसे वसूलना है और बिजली की चोरी रोकना है। अब हाउ दैट जॉब इज यू कैन इमेजिन। तो वो कमर्शियल का काम जब उन्होंने मुझसे कहा, आई वाज इन डबल माइंड, बट देन व्हेन ही सेड, तो मैंने कहा ठीक है यार, फाइनेंस 6 साल हो गया, चलो कुछ और नया करते हैं। मैं जब कमर्शियल में आ गया पुनीत, विद दैट वन एक्सपीरियंस ऑफ ईआरपी अंडर माय बेल्ट बीइंग अ टेक गाई, यहाँ आके मैं देखता हूँ तो मैं जो फाइनेंस में दूर से देखता था कि रेवेन्यू की अकाउंटिंग मोटे तौर पर बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ करती थी, और मेरे पास तो सिर्फ जो है कहना चाहिए कि उसका समराइज डाटा आया करता था फाइनेंस में। वहां जाके मैंने देखा कि जब इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बिलिंग होती है, उस सॉफ्टवेयर पे देख के मुझे रोना आ गया। वो चला करता था एक साइबेस करके डेटाबेस हुआ करता था, वो कंपनी बंद हुए 20 साल हो गए, उसका कोई अपग्रेड अवेलेबल नहीं, कुछ अपग्रेड नहीं। वो जिस मशीन पे चलता था वो नए जमाने की मशीन नहीं हो सकती थी, तो पुराने जमाने की मशीनें कूड़े कबाड़ से ढूंढ ढांड के लाते थे कि उस पे वो सॉफ्टवेयर पोर्ट हो जाएगा और उससे बिलिंग हो जाएगा। 45 मेरे जो है करीब डिवीजन ऑफिसेस थे, हर मशीन के साथ में 4 टर्मिनल कनेक्टेड थे, एक भी मशीन दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी। पूरे बिलिंग का डाटा उन 45 डिफरेंट मशीनों के डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर में कनेक्टेड था और वो किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल पर काम नहीं करता। तो मशीनों की इनहेरेंट लिमिटेशन ये थी कि 6 महीने के बाद में पुराना वाला डाटा गायब। तो मैं तो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि जिसको बोलते ना कि मैं तो टाइटैनिक के शिप पे सवार हो गया, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम स्टैंडिंग ऑन अ सिंकिंग प्लेटफॉर्म, एंड यदि इस बिलिंग सिस्टम के साथ मेरी पूरी रेपुटेशन भी चली जाएगी और मैं भी डूब जाऊंगा। इतनी बुरी हालत में है बिलिंग। तो अगेन फिर क्या करें, फिर से वही हम हमारे ड्राइंग बोर्ड पे आ गए। अगेन माय वेरी गुड फ्रेंड सुनील पाटी, अगेन आवर गेसुइट, हम लोग बैठे कि क्या करना है। तो बोले सर एक काम करते हैं अपन, ये उस समय एक सॉफ्टवेयर जो है वो अर्बन एरिया में अलग चला करता था जिसका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड, तो एमपी के उस समय के समझे कि करीब 20 लाख कंज्यूमर अर्बन हुआ करते थे, उनमें से कुछ अर्बन एरिया में वो जो नया सॉफ्टवेयर था उस पे काम होता था, और बाकी सारी बिलिंग 30 लाख कंज्यूमरों की जो है ये इस सॉफ्टवेयर पे होती थी जिसमें मैं बता रहा हूँ। वो जो नया वाला सॉफ्टवेयर था वो भी एक्चुअली 5 साल पुराना था, 18 मॉड्यूल इम्प्लीमेंट होने थे जिनमें से 5 साल के अंदर में इम्प्लीमेंट हुए थे 2.5 मॉड्यूल। उसके बाद में वेंडर पैसा लेके जा चुका था और वो सॉफ्टवेयर को भी जो है अपग्रेड और मेंटेन करने के लिए वो कंसर्न एजेंसी तैयार नहीं थी। वो फिर भी ये कंपैरेटिवली नया सॉफ्टवेयर था लेकिन वो तो 25 साल पुराना था। सबसे पहली प्रायोरिटी वही हो गई कि पुराने का क्या करें। एक ऑप्शन तो ये था कि जो नया वाले सॉफ्टवेयर है इसी टेक प्लेटफॉर्म पे पुराने वाले को ले आए और बाद में दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन करने के बाद में इसके अपग्रेड और मेंटेनेंस के लिए किसी एजेंसी को रख लेंगे। अगेन वही कोर्ट की शुरुआत हुई इधर से उधर से। मैं तुम्हें बताऊं 150 करोड़ रुपए का मुझे कोर्ट मिला एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से, जिसने मुझसे ये कहा कि हम इसके लिए ओरेकल डेटाबेस कोर के रूप में यूज करेंगे और बाकी सारी चीजें और जितने भी टेक स्पेसिफिक एजेंसीज हैं। 150 करोड़ रुपए 3 साल। और उसमें भी अगेन वही कि हम इतने मॉड्यूल बना देंगे जिसका मुझे पता था कि पहले कितने बना के जा चुके हैं। तो मुझे यही लग रहा था कि ये 150 करोड़ रुपए भी कुल मिला के विल नॉट बी एबल टू कहना चाहिए गेट बेनिफिट ऑफ। फिर हम लोगों ने वो काम शुरू किया जो मेरे ख्याल से कोई और कभी करता नहीं, किसी और ने कभी मेरे ख्याल से मेरे नॉलेज में तो है भी नहीं कि किसी ने किया था। हम लोगों ने ये सोचा कि साला ना हम अपने ही एक बिलिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं इन हाउस। क्या बात। और नॉट ओनली दैट, हमने उससे बड़ा चैलेंज ये उठा लिया कि हम इसके अंदर में कोई प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, हम कंप्लीट ओपन सोर्स पे जाएंगे। ओके, दैट टू वाज ए रेडिकल थॉट, कोई नहीं जानता था। आप तो ओपन सोर्स को पिछले 5 साल के अंदर में कई लोग जानने लगे 4 सालों के अंदर में, बट उस समय नहीं जानते थे ज्यादातर लोग।
तो व्हेन आई प्रेजेंटेड दिस प्रपोजल बिफोर माय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो बिलिंग का काम कर दे और हम इसको ओपन सोर्स में बनाना चाहते हैं, तो माय चेयरमैन सेड कि आपको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ कि ऐसा कोई काम आप कर सकते हो, और हम बिलिंग जैसा सेंसिटिव एप्लीकेशन क्या ऐसे लोगों के हाथ में दे सकते हैं, कैन वी अफोर्ड? अब ही वॉज वेरी राइट इन आस्किंग दोज हार्ड क्वेश्चंस। मेरे को अपनी टीम पे और खुद पे कॉन्फिडेंस था यार कि यदि कोई दुनिया की सॉफ्टवेयर टीम बना सकती है तो हमारी टीम भी बना सकती है। तो फिर हमने ऐसा कहा कि सर एक काम करिए, ये नया जो अपग्रेड करने का है इसका तो 150 करोड़ रुपया मांग रहा है, 150 करोड़ रुपए देने के लिए आपको टेंडर का डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा, बिड फॉर भी करना पड़ेगी, कंसल्टेंट भी रखना पड़ेगा, बिड इवैल्यूएशन भी करोगे, इस सब प्रोसेस में तो लगेगा साल भर, बिड चलने देते हैं, मीन वाइल हम लोग थोड़ा बहुत पायलट करके देख लेते हैं। बोले पायलट करने के लिए कोई खर्चा? हमने कहा कि जीरो, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, कैसे करोगे? मैंने कहा सिर्फ एक चीज चाहिए, परमिशन कि जो टीम मैंने इकट्ठी की हुई है उस वो क्या कर रही है कोई और नहीं पूछेगा, वो सिर्फ मैं पूछूंगा, अदर देन दैट आई डोंट नीड अ सिंगल पाइप फ्रॉम यू। तो भी वो कन्विंस नहीं थे कि बिलिंग जैसे एप्लीकेशन के लिए ऐसा काम हम क्यों करें, इसमें रेवेन्यू का एप्लीकेशन है ना, पैसा बिल्कुल नहीं है, रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है। तो फिर जो है वो उस मीटिंग के अंदर मैंने कुछ जैसे होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर में कि यू नो सम पीपल विथ होम यू स्पीक टू सम वेरी सीनियर पीपल, तो आई मूव थ्रू द बैक चैनल एंड समहाउ जो है वाज एबल टू गेट माय वे थ्रू द मिनिस्ट्री, पर पूरी जिम्मेदारी मेरे पे थी कि बोले फेल हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी, अब मैंने करा दिया है। परमिशन क्या मिली? जीरो बजट, बस जस्ट गो अहेड एंड विल नॉट आस्क यू कि वो 5 इंजीनियर आपके साथ क्या कर रहे हैं फॉर 6 मंथ। फाइन, 6 महीने में पूरी हम लोगों ने जो ओरिजिनल हमारा था जो साइबेस का आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का जो भी हमारे पास में सोर्स कोड अवेलेबल था उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद में जो नया टेक प्लेटफॉर्म है जो आजकल जिसको बोलते हैं होल स्टैक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हम लोगों ने हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चूज किया जिसके अंदर में फ्रंट एंड के अंदर में तो जो है वो टोटली ये था आपका जावा एंगुलर, उसके बाद में जो मिडिल वेयर है स्प्रिंग बूट था, और बैक एंड के अंदर में जावा के हार्ड कोड थे, और डाटाबेस जो हमने ले लिया पोस्टग्रेस। तो पूरा का पूरा इंटायर इकोसिस्टम जो है वो ओपन सोर्स, और उसके बाद में इसके डेवलपमेंट का कोड रख लिया गिट पे। तो आप समझे कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट जीरो बजट पे काम करना शुरू किया, और 6 महीने के अंदर में एक जो है हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होता है जिसके 1200-1500 कंज्यूमर्स होते होंगे उनकी बिलिंग का जो है ना एक सक्सेसफुल पायलट कर लिया ब्यूटीफुल 6 महीने के अंदर में। ऑल्दो वो इट वाज डिवाइड अप मेनी फ्रिल्स एंड विसल्स एंड मेनी फंक्शनलिटी मेनी रिपोर्टिंग एंड दिस एंड दैट, इट वाज लाइक फर्स्ट प्रोटोटाइप। हाँ, बट इट वाज जस्ट ए प्रोटोटाइप, लेकिन हम लोगों ने कर डाला उसको 6 महीने में। जब उसको 6 महीने में कर लिया और इधर तो बिडी फाइनल नहीं हुई 6 महीने में नए वेंडर की, तो हम लोगों ने धीरे 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 करके अगले 6 महीने में ना उसको हमारे पूरे रूरल एरिया के अंदर में इंप्लीमेंट कर डाला। यू विल नॉट बिलीव दैट मस्ट हैव बीन द फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिलिंग सॉफ्टवेयर एनीवेयर। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपने ये सोचा कि हम खुद ही बना लेते हैं जबकि आपके पास कुछ था नहीं, कुछ नहीं जीरो जीरो बजट के साथ। कोड लिखना मुझे अभी भी नहीं आता है, पर ये जितने लोग थे सब सिर्फ मैं था इसलिए मेरे से कंफर्टेबल थे, आप हो तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। सुपर सर, दिस इज ए ग्रेट केस स्टडी। मतलब ये मतलब मैं आपकी सब बातें जब सुन रहा हूँ ना सर, तो मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि सरकारी महकमों के बारे में हमारा जो एक जनरल परसेप्शन है वो भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीजें पॉसिबल हैं कम से कम। अरे करो तो पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, यू मस्ट हैव पुश्ड मेनी डोर्स, कई जगह आपने हासिल किया होगा, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा। वो इतनी लंबी जर्नी है मैंने कभी लॉग नहीं रखे उसके, लेकिन यदि मैं तुम्हें कहूं कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में आईवन इसके लिए कितने आवर्स ऑफ मीटिंग मैंने की होंगी, मुझे क्योंकि मुझे पता है ना सर, मैं कह रहा हूँ ना कि हंड्रेड्स ऑफ आवर्स, मतलब मैं कह रहा हूँ ईआरपी कंपनियों को मैं एडवाइस कर रहा हूँ, मुझे पूरा समझ में आ रहा है आप जो बात कर रहे हैं, और जब आप ओपन सोर्स की बात करो मुझे समझ में आ रहा है, मतलब यू आर नाउ ऑलमोस्ट लाइक ए टेक्निकल एक्सपर्ट। तो
कंप्लीट ओपन सोर्स पे जब हम लोगों ने सॉल्यूशन बना दिया, और वो सॉल्यूशन जब हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारी रूरल बिलिंग को जो है उसके ऊपर माइग्रेट कर लिया अगले 6-10 महीनों के अंदर में, तो अब हमारे पास बिल्कुल एक सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट क्रिएट हो गया कि भैया अब तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये आया कि अर्बन बिलिंग के लिए क्या करें, तो अर्बन बिलिंग के लिए अभी भी ऑप्शन तो ऑन द टेबल वही था और कईयों को भरोसा नहीं हो रहा था। ये तो एक ऐसी स्थिति थी कि हम वैसे ही डूबे हुए थे रूरल के अंदर में। जितना भी अभी रेवेन्यू आता है ना उसका 75% अर्बन से आता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर रूरल में ज्यादा है लेकिन 25% रूरल से आता है। तो रेवेन्यू की सेंसिटिविटी रूरल में इतनी ज्यादा नहीं थी। रूरल में कोई गलत बिल भी बन जाए तो आप उसको सुधारने के लिए इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता है, पर अर्बन के अंदर में बिलिंग इज वेरी सेंसिटिव और रेवेन्यू भी बहुत सेंसिटिव है। तो अर्बन का क्वेश्चन अभी भी ओपन था। इधर हम लोगों ने धीरे धीरे ये सारे डिसीजन और ब्यूरोक्रेसी चलती रही कि बिलिंग सॉफ्टवेयर नया क्या करना है, तो ये मीटिंग तो वो मीटिंग, तो आज वहां जाना है आज ये जाना है, वहां पे पूरा ब्यूरोक्रेसी और डिस्कशन ही चल रहा था। यहाँ हम लोग का काम पूरा हो गया। जब हम लोगों ने हमारा पूरा रूरल कर लिया तो उसके बाद में फिर वन डे आई वेंट टू दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दी एनर्जी डिपार्टमेंट, उनको बताया कि हो गया है, आपने परमिट कर दिया था मुझे, तो ही वाज अमेज्ड। ये हुआ कि अब क्या इसको अर्बन में कर सकते हैं, तो आई न्यू द पिटफॉल्स, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ अपने को समझ में आ जाता है। मैंने उनको कहा कि सर कर तो सकते हैं लेकिन यदि कोई मुझसे ये कहे कि 100% वो फंक्शनलिटी जो इसके अंदर में होना चाहिए तो वो डे वन से नहीं दे सकता। हो सकता है कि मुझे डेवलप करना पड़े, और कहीं ये भी संभव है कि कोई ऐसा टेक्निकल चैलेंज आ जाए जो फंडामेंटल लेवल पे मेरे सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को अफेक्ट करता हो, मुझे ये भी कहना पड़े कि नहीं सर ये काम नहीं होगा, लेकिन जो मैंने किया है वो आपको किसी को दिखवाना है तो आप दिखवा लो। तो ये भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो दिखवाना दिखवाना नहीं है, जब चल रहा है तो क्या दिखवाना। एक काम करते हैं, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एक मीटिंग करते हैं, तो उसके पहले बोले जाके आप चेयरमैन को बता दो। अगेन चेयरमैन जिनने मेरे से पूछा था कि ब्रह्म ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, जब उनको मैंने बताया कि हमने कर लिया तो बोले कि इसके अंदर में इसकी जो फीचर्स और फंक्शनलिटी एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन करने लगा कि पुराना वाला जो आपका अर्बन में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है कंपैरिजन में उससे कर रहा हूँ, साइबर से नहीं कर रहा हूँ, रिप्लेस किया हो तो कंपैरिजन में किसी लायक था नहीं। मेरा जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है उसको जो आपकी अर्बन बिलिंग कर रहे हैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर आपका अर्बन बिलिंग वाला 250 बिल पर मिनट बनाता है, मेरा सॉफ्टवेयर 1200 बिल पर मिनट बनाता है। आपका ये सॉफ्टवेयर के अंदर में ये सर्वर का पूरा समझे कम से कम 1000 स्क्वायर फीट सर्वर स्पेस घेरा हुआ है, इतनी मशीन होता है। मेरे यहाँ पे मैंने इसको चलाने के लिए जो है सिर्फ एक रेक लगाई हुई है, क्या बात। और इसके अलावा उसका जो चूंकि डेवलप हमने किया था ना, तो वी वर नोइंग द पेन पॉइंट्स ऑफ आवर ओन पीपल, तो यूजर इंटरफेस इतना फ्रेंडली था कि इट बिकम इंस्टेंट हिट, और इसी कारण से इतनी जल्दी समय जो है अडॉप्ट किया। सारे लोग को जो रिपोर्टें चाहिए और जिस तरीके से वो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं उसकी डिजाइन के ऊपर हम लोग शुरू से ही जो है ना बहुत ही पर्टिक करते हैं कि इट शुड लुक एंड फील में एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। तो जब मैंने बताना शुरू किया तो वहां पे मैं सोच रहा था कि मुझे शाबाशी मिलेगी, और ऑल ऑफ सडन वो ये भड़क गए कि तुम तो कंपैरिजन में अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो, तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर में कमियां तो होगी, उनका तो कुछ बता ही नहीं रहे। अगेन मतलब फिर मैंने कहा ना कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैं गया था तारीफ लेने, मैं डांट खा के आया, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, तो फिर अगेन आई वेंट टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हू हैड इनिशियली सेंट मी टू दैट चेयरमैन। उन्होंने कहा था कि बोले काम करते हैं, बोले तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की एक कंबाइंड बैठक बुलाई जाएगी और उसके अंदर में से की वाटी वो डन। वहां पे तीनों कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट के हेड, कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड, कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जितने भी लोग कंसर्न थे सारे लोग के सामने अब के मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। तो कंपैरिजन में मैंने ये बताना शुरू किया स्टार्टिंग से कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये नहीं है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में ये नहीं है। मैंने साथ में ये भी बताया कि आप वाले में थ्योरिटिकली था लेकिन आपने यूज नहीं किया, थ्योरिटिकली था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, थ्योरिटिकली था लेकिन आपने आज तक कभी डेमोंस्ट्रेट करके नहीं बताया। कुल मिला के इट वॉज कंपेरेटिवली मच बेटर सॉफ्टवेयर। वहां पे ले जाके मैंने फिर प्रेजेंटेशन रोक दिया कि मेरे सॉफ्टवेयर इतनी चीजें नहीं है, इनमें से ये चीजें विद टाइम हम डेवलप कर सकते हैं,
ये चीजों के बारे में मैं आपको आज कुछ कमेंट नहीं करता बच्ची। जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुआ ना, देर वॉज फार फार सम मिनट्स जो है ना पिन ड्रॉप साइलेंस था, पिन ड्रॉप साइलेंस, नो वन वाज नोइंग हाउ टू रिएक्ट। तो मैं बताऊं कि बड़ी आईटी डील्स जो है ना उनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। दे वांट कि कोई काम यदि 150 करोड़ रुपए में हो रहा है तो फ्री में क्यों हो। तो नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन विच वी हैड मेड, बट नो वन डेयर्ड टू से एनीथिंग कि अब ये इम्प्लीमेंट हम नहीं करेंगे। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में न सिर्फ मेरी कंपनी में बची हुई दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी यही सॉफ्टवेयर यूज होगा। 4 साल से पुनीत तो सॉफ्टवेयर चल रहा है, हर महीने 1.5 करोड़ कंज्यूमरों की बिलिंग करता है। क्या बात है, विदाउट एनी आउटेज, एनी सिंगल इंसिडेंस, एनी सिंगल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंस, हम लोगों ने वो सॉफ्टवेयर को वहां पे चलाया हुआ है आज तक भी। सुपर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि, और ये किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हुआ है, वो लोग जो जानते नहीं थे आईटी के बारे में उन्होंने किया है, और आप ओपन सोर्स पे करके ये सब कर रहे हो जीरो बजट के साथ, दिस इज रिमार्केबल। मतलब आई एम फीलिंग सो गुड सर टुडे, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब संवाद सार्थक हो रहा है सर आज। मतलब पर फिर यही हम नहीं रुके पुनीत, ये इट बिकेम फाउंडेशन फॉर येट अनदर थिंग। हाँ, फिर क्या हुआ कि मैं ना जब स्टूडेंट था तब से ही मुझे ऐसा लगता था कि साला जब भी बिजली का बिल आता है तो आपको भरने जब जाते हो तो आप आधा घंटा लाइन खड़े होते हो। मुझे ना वो तब से ही वो मेमोरीज में था कि यार कंज्यूमर बिल देना चाह रहा है और आप आधा घंटा उसको लाइन में खड़ा करके परेशान करते हो, अपना काम लाइन में बिजली का बिल भरता है। रिडिकुलस था, रिडिकुलस, प्योरली रिडिकुलस। तो फिर मुझे लगा कि व्हाट नेक्स्ट, अब मेरे पास में एक बहुत ही शानदार जो है कहना चाहिए कि बिलिंग का प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल था, उसके सारे हैंडल्स मुझे पता थे, उसके साथ इंटीग्रेट होने वाली सारी एपीआईज के ऊपर में मेरा कंट्रोल था। फिर मैंने बैंकों से बात करना शुरू किया, उस समय तक भी इतने ऑनलाइन नहीं हुए थे। फिर क्या हुआ कि एक इंदौर की कंपनी है NICT, उसको क्या हुआ कि नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत जो है वो ई गवर्नेंस सर्विसेज देने के लिए मैंडेट मिल गया। तो पता चला मुझे कि वो हमारे यहाँ पे आके घूम रहा है और उसको जो है कोई बात भी उसकी सुनने को तैयार नहीं है, उसको कमरे में भी नहीं बिठाता है कि ये ई गवर्नेंस क्या होता है और इसमें काम क्या करेंगे, और यदि मैंने बात सुन ली तो मुझे करना पड़ जाएगा, इसलिए कोई उसको बिठाता भी नहीं था अपने पास। तो ही जो बहुत सारी जगह से घूम घाम के वो मेरे पास में आया, वो 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था टू प्रोवाइड ई गवर्नेंस सर्विसेज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो उसमें मैंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस डॉक्यूमेंट में कई ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रिस्क्राइब की हुई है। तो मेरे को तो मैं खुद ऐसा सॉल्यूशन खोज रहा था कि भैया मेरे को ना ये बिलिंग और पेमेंट के सिस्टम को ऑनलाइन करने की कोई जुगाड़ मिले। तो फिर उस कंपनी का टेक प्लेटफॉर्म को हमने यूज किया और मेरे ख्याल से उस समय में We were among the very, very few distribution companies जिनने online bill payment की सुविधाएं tentatively शुरू की कुछ limited बैंकों के साथ और कुछ limited platforms में। तो वो हमारी शुरुआत हुई बैंकों के साथ में integration, फिर उनका payment, फिर उनका reconciliation, बैंक का data real time के अंदर में बैंक के data server पे जाना चाहिए और बैंक का data payment का रियल टाइम में जो है मेरे से सेटलमेंट भी होना चाहिए और बिलिंग के अंदर भी अपडेशन भी होना चाहिए। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, आप तो समय से बहुत आगे चल रहे थे मेरे ख्याल। हाँ, तो ये फिर हम लोगों ने वहां पे शुरू किया। तो वो अगेन इट वाज ए स्मॉल बिगनिंग कि हम लोग जो है ई पेमेंट सिस्टम पे काम शुरू करें। मुझे लगता था कि अर्बन एरिया के अंदर में कंज्यूमर बिजली का बिल भरने के लिए रखते हैं, इट इज एट्रोशियस। फिर जब वो हमको सक्सेस मिल गया तो हम लोगों ने फिर नया एक काम और शुरू किया कि हमने हमारी कंपनी का एक ऐप बनाना शुरू किया जिसका नाम रखा ऊजस। ओके। अब उस ऊजस प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे हम जितने भी पॉसिबल पेमेंट चैनल थे, सारे बैंक, सारे वैलेट, जितने भी तरह के पॉसिबल हैं, धीरे धीरे सारे उस पर ग्रो कर दिए। फिर हमने उसको कंज्यूमर सर्विस पोर्टल की तरह डेवलप करना शुरू किया। तो पता चला कि आपको नया कनेक्शन लेना है तो उस पर अप्लाई कर दीजिए, लोड बढ़ाना है कर दीजिए, चेंज ऑफ पर्पस करना है कर दीजिए, मीटर चेंज करना है कर दीजिए, मीटर की शिकायत करना है कर दीजिए। उस पर कंज्यूमर सर्विसेज बिल्ड करना शुरू किया।
फिर हमको समझ में आया, जो मैं को आने के बाद समझ में आया था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को करेक्ट मीटर रीडिंग नहीं होती और उसके कारण जो है वो भी बिल गलत बनते हैं। तो वो अगेन जो है वो मुझे ऐसा लगता था यार कि जैसे होता है ना कई लोग, हम सब लोग बहुत बहुत इजीली जब सर्विस किसी और से लेना हो ना, तो यदि से नहीं मिल रही हो तो वी आर सो सो रेडी टू क्रिटिसाइज, और जब हम अपने को जब वही सर्विस कहीं देने वाले मोड में हम खड़े होते हैं तब भी रेशनलाइज विद ऑल काइंड ऑफ जस्टिफाई करने लगते हैं। हाँ, उनके को तो जस्टिफाई करते हैं और दूसरे से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब खराब सड़क है तो नहीं होना चाहिए, या नल का बिल जो है वो नगर पालिका ठीक से नहीं देती है, या ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट सर्विस लोग थे ना, जैसे मेरी मुझे ये फीलिंग आती थी कई लोग बड़े वहां पे काम वाम तो ऑफिस के अंदर में जितना भी कर रहे होंगे उस पर कमेंट नहीं, लेकिन बाद में क्या बोलते हैं कि बोले हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो बोले वो क्या, तो बोले वो फलाने जगह जाके जो है इनको खाना खिला रहे हैं, इनको ये कर दिया या उनको वो कर दिया। ये हमेशा से फीलिंग होती थी कि यार गवर्नमेंट जॉब में हो भी बिजली जैसी जॉब में, तो यदि आपने अपना काम ठीक से कर दिया ना तो उससे बड़ी समाज सेवा दूसरी नहीं हो सकती। सही बात, ये मेरा फंडामेंटल बिलीफ तब भी था। तो फिर मैंने ये इसको करना शुरू किया कि अब जो मीटर रीडिंग का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें। मीटर रीडिंग के अंदर में टोटली हमारी डिपेंडेंस थी किन पे, मीटर रीडर्स पे। एंड यू विल नॉट बिलीव पुनीत, जो रीडिंग लेने का सिस्टम हुआ करता था एक डायरी हुआ करती थी, उस डायरी के अंदर में हर पेज पे एक कंज्यूमर के नाम का फोलियो होता था, उसके अंदर में मीटर रीडर और डायरी लेके फील्ड में जाता था, मीटर की रीडिंग देखता था, उस डायरी में लिखता था, वो सारी की सारी डायरियां जो है वो रीडिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद में कंप्यूटर सेंटर में आया करती थी, उनको देख के जो है एक आदमी जो उस डाटा को पंच करता था। ओके, दैट वाज द मीटर रीडिंग पार्ट। और ऐसे ही पेमेंट के लिए जो आदमी बिजली का बिल जमा करता था, तुमने भी कई बार किया होगा, मुझे याद है, आउटर फाइल रख लेता था वहां पे और आपको मेन बिल पे ठप्पा लगा के दे देता था, वो काउंटर फाइल जो है वो कंप्यूटर सेंटर पे पंच होने जाया करती थी कि पुनीत ने इतना बिजली का बिल भर दिया है। अब सोचो कितने बड़ा एक मैनुअल इंटरवेंशन था और इस पूरी प्रोसेस में कितनी इनएफिशिएंसी थी, बहुत बहुत इनएफिशिएंसी। यस, तो फिर वो जो पेमेंट वाला तो मैंने पहले करा लिया था, इसको फिर मैंने ऐसे टेकल किया कि मैंने इसका एक फोटो बेस्ड मीटर रीडिंग का ऐप बनवाना शुरू किया। तो उस समय मेरे पास टेक्निकल कैपेसिटीज नहीं थी, तो मैंने जो एमपी के जो स्टेट डाटा सेंटर है वहां के कुछ प्रोग्रामर्स को पकड़ा और उनके थ्रू जो है वो पीएमआर का एक ऐप बनवा लिया। तो ऐप ऐसा था कि मीटर रीडर आपके घर में आएगा तो आपका जो है वो मीटर का फोटो खींचेगा और फोटो के साथ में वो जितनी रीडिंग दिख रही है उस ऐप में भरेगा भी। कारण ये कि वो इमेज को रिकॉग्नाइज कर ले और डाटा को ठीक से कन्वर्ट करके भर दे, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर अभी भी नहीं है क्योंकि वो इमेज कई बार बड़ी ब्लरी और खराब सी भी होती है। पर उससे क्या हुआ कि दो चीजें हुई। सबसे पहले जब हमने ऐप देना शुरू किया तो वो जो मीटर रीडिंग डायरी नाम का जंतु था वो खत्म हो गया। एमपीईबी के अंदर में कोई ये मानने को भी तैयार नहीं था कि बिना मीटर रीडिंग डायरियों के काम हम कर सकते हैं या मीटर रीडिंग की जा सकती है, मानना तो सोचने को भी तैयार नहीं था। वो मेरे लिए इतना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रगल था, कोई आदमी मानने को तैयार नहीं था कि जो है हम मीटर रीडिंग डायरीज को खत्म कर सकते हैं। तो समझिए कम से कम एमपीवी में 3,000 मीटर रीडर हुआ करते हैं, इनसे भी ज्यादा हजार। उन लोगों को मैंने जो है वहां पे बैठ के जो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का जो वो है बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, वहां पे दर्जनों ट्रेनिंग्स दी हैं और उनको उस मोबाइल ऐप से कैसे काम करना है उस पर माइग्रेट करना सिखाया। ओके, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो है सारे लोग को मीटर रीडिंग, मैंने कहा कि डायरी तो मैं लूंगा ही नहीं, रीडिंग में डालने ही नहीं दूंगा सिस्टम में। अब आपके पास में तो ऑप्शन यही है कि जाओ फोटो बेस्ड मीटर रीडिंग करो। मैं 2500 तरीके के मैनिपुलेशन हुआ करते थे। मेरे लिए क्या था कि मैंने शुरुआत उसकी स्टार्टिंग में सिंपली ये कह के कि आपने फोटो खींच लिया है लेकिन हम इसका कोई यूज नहीं कर रहे, उनको बताया नहीं कि मैं उनका क्या यूज करने वाला हूँ। लेकिन उन्होंने जो रीडिंग भर दी थी ऐप में वो रीडिंग आ जाती थी, वो रीडिंग को हम बिलिंग से इंटरफेस कर देते थे। पर फिर मैंने पीछे एक कॉल सेंटर बनाया 50 लोगों का और उन लोगों को क्या कहा कि रेंडमली आप मीटर रीडर ने जो रीडिंग भरी है उसको इमेज से चेक करेंगे और मुझे लोगों की एक्यूरेसी बताएंगे। तो फिर वो एक एक्यूरेसी, फिर उस एक्यूरेसी के बेसिस पे बेस्ट मीटर रीडर, वर्स मीटर रीडर, फिर ये है कि मैंने उसको कई लोग कॉफी टेबल रीडिंग
करते हैं गांव के अंदर में जाके एक चौपाल में पीपल के नीचे बैठ के सारे मकानों के रीडिंग मीटर रीडिंग भर दी और हो गया, वो बिलिंग हो जाएगा। तो उसको फिर मैंने जियो उससे बाइंड कर दिया जियो टैगिंग से कि उसको वहां जाना पड़ेगा तभी वो उसका खाता खुलेगा। फिर मैंने उसको जो है वो कॉल सेंटर हटा के एक मीटर रीडर की रीडिंग रेंडमली किसी दूसरे के पास में जाएगी, वो जो दूसरा वाला जब तक अप्रूव नहीं कर देगा पहले वाले को पेमेंट नहीं हुआ। तो वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ चेक्स इसके अंदर में बिल्ड करना शुरू किए, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो अर्बन एरिया के अंदर में जो मीटर रीडिंग की एरर्स थी सर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको रोकना चाहूंगा। मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ जिसने अपना नया वेंचर शुरू किया है, हू इज सो पैशनेट अबाउट इट, जो कंज्यूमर्स के क्या प्रॉब्लम है उनका क्या सॉल्यूशन होने, जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, मतलब मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह। और बहुत सारे सवाल भी हैं और जिनमें से ज्यादातर कई तो आपकी तारीफ के ही है, और एक सवाल जो था कि आप फिनांस में कैसे गए उसका जवाब मिला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब 2 घंटे हो गए। अरे माय गॉड, सॉरी, खत्म करें फिर तो। नहीं, खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 घंटे होने वाले हैं, आप बात इतनी अच्छी चल रही सर, आप इतना अच्छा बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि सर एक सेंस मिला कि आप कैसे काम करते हो, आपका क्या तरीका है। अब जो सवाल लोगों के दिमाग में है कि यहाँ आप कैसे पहुंचे, तो जरा एक जंप मार के जरा ये बताते हैं। फिर वहां से फिर मैं डायरेक्टर कमर्शियल हो गया था, वहां पे ये सारे काम चल रहे थे। तो डायरेक्टर कमर्शियल के रूप में मतलब ये कि एक बिलिंग सॉफ्टवेयर तो इम्प्लीमेंट करना एक चीज थी, लेकिन इसके कारण मेरा जो डाटा पे एक्सेस और एनालिटिक्स जो मैंने डेवलप की उसके कारण मैं कंपनी के जो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हैं वो मेरे टेन्योर में मैंने 6% से कम किए। तो 6% मतलब मतलब ह्यूज मनी, बिग मनी, 2,000 crore rupees पर एनम आर सो। हमारी कंपनी को इसके कारण जो है कंपनी की बेस्ट रेटेड डिस्काउंट्स के अंदर में रिकॉग्निशन मिलने लगी। तो देट वॉज अनदर पार्ट की इस डाटा से जो कि मेरे पास था, इनहाउस था, मेरे बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू था, तो उसमें मैंने इसमें जो एक एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया बिजनेस इंटेलिजेंस का। वो प्लेटफॉर्म के अंदर में इट वॉज लाइक ए गूगल, आप एक एक कंज्यूमर का पिछले 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का रीडिंग विद फोटो देख सकते हैं, आप कौन मीटर रीडर गड़बड़ कर रहा है ये समझ सकते हैं, किसके अंदर के अंदर में अनऑथराइज रूप से जो किसी का चेंज ऑफ पर्पस कमर्शियल से डोमेस्टिक में कर दिया हो, किसने जो है वो बेच के इंडस्ट्रियल को किसी डोमेस्टिक में कर दिया हो, रेवेन्यू लीकेज के जितने तरीके होते हैं वो सारे और एनालिटिक्स को उसको बिल्ड किया, तो जाके हम लोग 6% लॉसेस पे कम कर लिए। पर अगेन कमर्शियल का काम करते करते 6 साल हो गए थे, मैं कंपनी के अंदर में डायरेक्टर के लेवल पे ऑलरेडी रीच कर चुका था, इसके ऊपर जाने का यहाँ पे कोई स्कोप था ही नहीं, क्योंकि एमडी जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ओके, तो अब मेरे लिए अगले 7 साल और क्या करूं ये क्वेश्चन था। मैं यूं कंफर्टेबल था मेरी कंपनी में, आई वाज रिस्पेक्टेड, जॉब वाज गुड, करने को भी काफी कुछ मीनिंगफुल था, लेकिन जो 6 साल से और कर रहा था उसको आगे 7 साल फिर से रिपीट करता रहूं तो समाउ एकदम थोड़ा सा मन में इतना मजा भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और जो आप और आपके दिमाग में जो सवाल है आपका एल्गोरिथम में, व्हाट नेक्स्ट। तो फिर ये वो समय था कि मैंने सोचा यार अब डिस्काउंट में जो ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी, अब मुझे कुछ और नया सोचना चाहिए। तो वही एक समय था कि फिर मैंने जो है ये पब्लिक इंटरप्राइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो CPSUs हैं इनके अंदर में डायरेक्टर लेवल के पोजीशंस के लिए अप्लाई करना शुरू किया। तो इसमें सिलेक्शन जो होता है वो पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड है जो UPSC सर की एक संस्था है वो करती है, और यहाँ पे यदि कैटेगरी 1 या ग्रुप 1 के कोई CPSUs हैं तो उनमें जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर वो करते हैं। तो उसमें फिर जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो एक स्टील सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है KIOCL लिमिटेड, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर पैलेट्स इन द वर्ल्ड, वेरी वेरी बिग कंपनी। तो उस कंपनी के अंदर में मेरा एज डायरेक्टर फाइनेंस सिलेक्शन हो गया, अगेन फिर से फाइनेंस में मैं आ गया इंजीनियरिंग साइड से। तो वहां पे सिलेक्शन में भी अगेन वो सारी बातें मैसेज पूछने वालों ने वो यही पूछी कि आप तो पावर सेक्टर के आदमी हो, स्टील में क्या करोगे वगैरह वगैरह, बट समहाउ मतलब आई वाज एबल टू कन्विंस देम कि आई विल बी अ गुड असेट टू देम।
मैं कहीं भी जाऊंगा मैं कुछ करूंगा। कर दूंगा। तो दे चोज मी ओवर अदर्स एंड मेनी इंटरनल कैंडिडेट्स और आई वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर फाइनेंस इन केओएस लिमिटेड। तो मैं बेंगलोर चला गया। बेंगलोर में गया हूँ मई 23 में, वेरी रिसेंट। हाँ, 8 महीने में रहा कि मीनवाइल यहाँ ना जो पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन है जहाँ करेंटली जो मेरी कंपनी है पीटीसी इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे भी मैंने उसी दौर में अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ की सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी डिले हो गई थी। वहां पे मेरे का काम करते करते 8 महीने हुआ और सितंबर में मेरे पास में पीटीसी से भी ऑफर आ गया कि बोले आप हमारे यहाँ पे डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड कमर्शियल आ जाइए। अब बेंगलोर की तुलना में दिल्ली घर से थोड़ा ज्यादा पास है, दूसरा पावर सेक्टर के लिए जो है दिल्ली एक ऐसी जगह है कि यू गेट टू मीट मेनी पीपल, दूसरा पावर सेक्टर का जॉब जो है आई कैन से दैट कि वो जॉब नहीं होता, वो लाइफ स्टाइल ही होता है। सही बात। आप 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के बिजनेस में है ना, तो इट एक्चुअली नेवर लीव्स यू। बिल्कुल। तो फिर आई वाज वो स्टील सेक्टर के अंदर में भी, वहां पे 4-6-8 महीने के बाद ही नेक्स्ट चेयरमैन वाज टू रिटायर और स्टील मिनिस्ट्री से मुझे ऐसी सेंस और फील मिलने लगी थी कि आप इसके नेक्स्ट सीएमडी रहेंगे। अच्छा। तो वहाँ आई हैड मतलब दैट चांस विथ मी, लेकिन जैसे ही मेरे को ये फिर से पावर सेक्टर का काम मिला पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन में, तो आई चोज टू लीव दैट और मैं यहाँ आ गया। यहाँ आए मैंने जनवरी में ज्वाइन किया एज डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड कमर्शियल। तो ये जो पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन है बेसिकली इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटेड बट नॉट ओन्ड पीपीपी कंपनी। इसमें 20% इक्विटी जो है वो गवर्नमेंट के जो 4 बड़े CPSUs हैं, NHPC, NTPC, Power Finance Corporation and Power Grid Corporation, तो इन 4 CPSUs की हैं और कुछ LIC की है और बाकी जो है वो इक्विटी इज हेल्ड बाय पब्लिक, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है। अच्छा। तो यहाँ पे भी अगेन थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस जब मैं डायरेक्टर बन गया तो फिर मैं PTC ज्वाइन कर लिया दिल्ली में। ओके। तो जनवरी में मैंने यहाँ पे एज डायरेक्टर ज्वाइन किया था और रिसेंटली जून में जो है मैं यहाँ पे CMD हो गया। क्या बात, बधाई हो सर, बधाई। मतलब सर आपका जो पूरी आपने कहानी बताई ना, जो आपके उपलब्धियां हैं, मतलब इट इज सेल्फ एविडेंट कि मतलब ये तो आपको मिलना ही था। और आई थिंक पावर सेंटर, पावर जो सेक्टर है उसमें आपका जो अनुभव है, जो काम आपने किया है, मतलब आप जब बोल रहे हो ना, जब आपने कहा कि लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के अलावा मैं बताऊं कि कितने कंज्यूमर्स की जिंदगी को आपने प्रभावित किया, तो आप जो बोल रहे हो मतलब आज कितने लोग लाइन में नहीं लग रहे होंगे, कितने लोगों का बिल सही आ रहा होगा, कितने मतलब अमेजिंग अमेजिंग। मैंने कहा ना कि आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं आज आपके साथ इस फ्रेम में आपके साथ हूँ। I am feeling a sense of pride कि गेसु संवाद की शुरुआत हम लोगों ने की, तो वरना आपसे शायद कभी बात भी ना होती हमारी, आप तक हम पहुंच ही नहीं पाते, आप जहाँ खड़े हैं वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन आज आपने इतना वक्त। नहीं, ऐसा नहीं है पुनीत, तो मेरा ऐसा मानना है कि बस यू नीड ए फ्यू थिंग्स, फ्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 2-3 बिल्डिंग ब्लॉक्स। नंबर 1 तो ये है कि नेवर शाय अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। ऐसा है कि ये तो आपको मौके सबको मिलते हैं लाइफ में, बट ज्यादातर लोग यदि छोड़ देते हैं कि यार इस मुसीबत में कौन पड़ा है, तो मुसीबत में ही चैलेंज है और चैलेंज में ही रिकॉग्निशन है। बिल्कुल। नहीं तो मैं जब इस चैट के अंदर मैं भी अपने नोट्स बनाते जा रहा था सर, जो लोग इसको पूरा देखेंगे और एक स्टडी की तरह देखेंगे, उनको इसमें से इतना मक्खन मिलने वाला है। लेकिन अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई सर। ओके। क्योंकि मैंने जब शुरू में आपसे बात की थी तब आपने कहा था कि पढ़ने के शौक ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। हाँ, और हमने थोड़ा सा उस पर टच भी किया जब हमारी बात हुई कि अंग्रेजी नॉवेल आपने SGJTIS में पढ़ना शुरू किया, तो जरा मुझे आप ये बताइए कि सब दोस्तों को भी बताइए कि वो कौन सी किताबें थी जिन्होंने ये जो आपका एक थॉट प्रोसेस है, जो अप्रोच है, उसको बनाने में किन किताबों का योगदान रहा, 2-3-4 किताबें बताइए ताकि हम भी उसमें से कुछ पूरी स्टार्टिंग जो होती है ना, वो ये मैं कहूंगा कि उस पॉपुलर किस्म की रीडिंग से होती है जिसको जब आप ग्रो कर जाते हैं रीडिंग की हैबिट्स में, तब कभी कभी ऐसा लगता है पलट के कि यार वो बड़ी प्रिमिटिव थी। लेकिन मैं ये कहूँ कि आज मैं क्या पढ़ता हूँ,
तो शायद वो पढ़ने वाले को जो है ना मजा नहीं आएगा उसको वहां से स्टार्ट करने में। यदि मैं कहूं कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, तो स्टार्ट सिंपली उन चीजों से किया जो बहुत पॉपुलर नहीं है। ओके हाँ, मतलब हम कह सकते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स से, या सेवन हैबिट्स से, या सिक्स थिंकिंग हैबिट्स से, जो डी ब्रूनो की, या थिंग्स लाइक दैट समथिंग स्टार्ट। मतलब कई चीजें थी नॉर्मल लेविस पील की, आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी होंगी, कुछ मैनेजमेंट में, मतलब व्हाट दे डोंट टीच यू एट द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। या देयर इज अ ब्रिलियंट बुक सर। हां, दैट वाज अ ब्रिलियंट बुक, नो डाउट। फिर देन आई माइग्रेटेड टू रीडिंग अबाउट बिग कॉर्पोरेशंस। तो फिर मैंने वो बुक्स पढ़ना शुरू की, तो जैसे सोनी पे जो था ना, कि जो सोनी की जो स्टोरी है वो मेड इन जापान अक्यू मोरिटा ने लिखी, वो मैंने पढ़ी। फिर द टोयोटा वे, टोयोटा वे मैन्युफैक्चरिंग पे, दैट इज अ वंडरफुल बुक। और उसका एक लेसन मुझे हमेशा याद रहता है, टोयोटा वे के अंदर में वो लिखते हैं कि टोयोटा वे में कितना ही कठिन से कठिन और बड़े से बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन हो, फाइनली अप्रूवल के समय में इट हैज टू बी रिड्यूस्ड टू वन पेज। एक पेज से ज्यादा उनको कोई नोट नहीं चाहिए, जितना एक्सप्लेनेशन करना है उन लोगों को समझा के अनबोर्डिंग करा लीजिए। एक पेज से बड़ा अप्रूवल का नोट नहीं बनता है। दैट्स रियली खूबसूरत है सर, टोयोटा वे बहुत खूबसूरत तरीका है। फिर वो जैसे फिर आईबीएम पे मैंने बुक पढ़ी थी हूं सेज लुई गार्सियास की, कि हूं सेज एलिफेंट्स कांट डांस। मतलब फिर जैक वेल्श का जो था स्ट्रेट फ्रॉम द गट, या इवन वो जो हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स वाला था ना, क्या नाम, क्रिसलर कॉर्पोरेशन जिसने बनाया था, नाम लिया आइको का। तो ऐसी कई फिर बिजनेस बुक्स पढ़ी वहां से। फिर जब मैं और माइग्रेट हुआ और लेटर से कि ज्यादा सीरियस रीडिंग पे, तो उसके अंदर में कुछ चीजें मैंने ऐसी पढ़ी हैं जो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत बिगिनर्स को बहुत मजा आएगा। लेकिन धीरे धीरे मेरे को अब ये रियलाइज होने लगा है पढ़ने के मामले में एटलीस्ट, कि क्या होता है कि एक्चुअली रीडिंग जो है ना वो 25% रीडिंग होती है और 75% कंटेम्पलेशन। यदि ये नहीं किया है तो बेसिकली तो आप नॉवेल पढ़ रहे हो, दैट डजंट हेल्प मच। तो वो है कि यू एक्चुअली ना यू नीड टू रीड विथ ए कहना चाहिए कि इंक्विजिटिव माइंड, ए कहना चाहिए कि टेंडेंसी टू कंटेम्पलेट। हो सकता है कि आप उस किताब को एक महीना पढ़ने में लगा ले, दो महीना पढ़ने में लगा दे। हाल तो मेरे से आदमी के लिए क्या, मैं एडिक्टिव हूं, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो छूटता नहीं मुझसे। तो पर इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि आपका ना कंटेम्पलेशन यदि नहीं है और सिर्फ रीडिंग है तो देट इज ऑफ नॉट मच यूज। बिल्कुल। जब फिर मैंने कुछ सीरियस चीजें पढ़ी तो उनके अंदर में कुछ रिमार्केबल बुक्स के बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगा। हाँ, प्लीज प्लीज। एक बुक मैंने पढ़ी थी विच आई रियली लाइक्ड, वो थी गुरुचरण दास की, दी डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। ओके। अब गुरुचरण दास को सब जानते हैं कि वो प्रोक्टर एंड गैम्बल के ग्लोबल सीईओ थे। बिल्कुल। तो उस बुक की भूमिका के बारे में वो कहते हैं कि बोले यार, मैं ना एक बार मेरे को ख्याल आया कि यार ये जो मार्केट शेयर के अंदर मैं 0.2% का ग्रोथ में ले आऊं तो इट इज नो लॉन्गर मोटिवेटिंग मी। और फिर मैंने जो है ना ग्लोबल सीईओ की पोस्ट से जो है ना वो सेबेटिकल ले लिया, प्रोक्टर एंड गैम्बल के, एट पीक ऑफ हिज करियर। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने इतने सारे कंट्री घूमे हैं तो उनकी कल्चर के बारे में जानता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने खुद के देश को जानता हूँ। जब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आया तो बोले, उसके बाद में उसको लगा कि मैं तो शायद अपने कल्चर को तो एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बहुत कम जानता हूँ। तो उसको ऐसा लगा कि मुझे अपने कल्चर की स्टडी करना चाहिए, सोर्सेस पे जाना चाहिए। तो सोर्सेस पे फिर उसने ये सोचा कि मैं पढ़ूंगा रामायण और महाभारत, कि हमारे मोस्ट फंडामेंटल आइकॉनिक जिसको बोलते हैं महाकाव्य हैं। तो रामायण और महाभारत पढ़ने के अंदर में पहले तो उसने ये लिखता है अपने बुक के अंदर में कि बोले पहले तो मैंने सोचा कि मैं काशी के पंडित विद्वानों के पास में जाके जो है इसके ऊपर में पढ़ूं और बात करूं। फिर बोले वो आइडिया मुझे इसलिए ड्रॉप करना पड़ा कि बोले मेरी आदत है क्रिटिकल थिंकिंग की और क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की। यदि मैं भगवान की लीला के बारे में किसी पंडित जी से ये सवाल करने लगूंगा कि इसके अंदर में ये जो आप मोरल कहना चाहिए कि एक थ्रेड बता रहे, सूत्र बता रहे हैं, तो इसका ये मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग है, तो हो सकता है कि लोग अप्रिशिएट नहीं करें। बिल्कुल। ग्रुप ऑफ 3-4 पीपल विद हिम, और वो शायद इसको
या कौन सी यूनिवर्सिटी में गया मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे वो 3 साल के लिए इंडियन स्टडीज की चेयर के अंदर में गया और वहां पे बैठ के उसने अपने आप को एनरोल करा लिया कि यहाँ पे बैठ के मैं महाभारत और दूसरी कुछ उसने स्क्रिप्चर्स चूज किए थे, बोले उनकी बैठ के पढ़ाई करूंगा। तो ये जो बुक उसने लिखी है, ये उसका महाभारत के ऊपर में पूरी किताब पढ़ने के बाद में क्या एसेंस को समझ में आया उसके ऊपर में बुक है द डिफिकल्टी ऑफ गोइंग गुड। अब महाभारत की स्टोरी जितनी आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, जितने भी हमारे मित्रों ने पढ़ी है, आप बार बार पाएंगे कि वो महाभारत एक ऐसी चीज है जिसको आप जितने भी नजरिए से पढ़ने चाहो हर बार कुछ नया मीनिंग सामने आ जाएगा। हर बार आपको लगेगा कि आपने ये थॉट नहीं सोचा, आपने ये एंगल नहीं सोचा। कई लोगों ने उस पर, सैकड़ों लोगों ने मिसांसान लिखी है, अपनी व्याख्या लिखी है, अपना एंगल दिया है। इट इज वन ऑफ देम। ये बात करती है महाभारत के अंदर में जो ढेर सारी स्टोरीज आई है टाइम टू टाइम, जिसके अंदर में सेंट्रल कैरेक्टर्स के सामने मोरल डायलेमा थे। तो डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड का टाइटल वहीं से आता है कि गुड कौन था और गुड होने में डिफिकल्टीज क्या क्या है, डिफिकल्टीज। तो ए वेरी वेरी गुड नैरेटिव इंटरस्पर्स विद वेरी गुड स्टोरीज फ्रॉम महाभारत, बट आल्सो देयर एग्जामिनेशन फ्रॉम ए मॉडर्न पर्सपेक्टिव। तो बोलते हैं ना महाभारत के अंदर में बहुत जगह जो है ना, बेसिकली यू आर डीलिंग विद व्हाट इज कॉल्ड कॉमन लॉ, है ना, कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ की प्रैक्टिसेस में अब आपने तो कभी नहीं सोचा कि भैया जैसे हम कहते हैं कि किंग कौन बनेगा, तो राजा का सबसे बड़ा लड़का बनेगा, तो ये ट्रेडिशन सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं है, ढेर सारी वर्ल्ड की ट्रेडिशंस के अंदर में सब में इस लॉ का कोई एक रूल एक नाम है। तो दूसरी कल्चर में उसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, कैसे सोतेला बेटा जो है वो इक्विवेलेंट सगे बेटे के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, या इवन फॉर दैट मैटर जो है आप पॉलीगेमी या पॉलीएंड्री या इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, ढेर सारी जो उसके अंदर में मोरल कोड है कि यदि युद्ध के अंदर में धोखे से मारना कितना जाए कितना ना जाए, इसने क्या किया, जुआ खेलने में युधिष्ठिर की क्या गलती थी, ऑल एक्सपोजिशन। आप कंक्लूजन राम महाभारत से कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दैट इज वन गुड बुक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि यदि हम अपने आप को नहीं जानते तो हम दुनिया को तो क्या ही जानेंगे। सही बात। इट इज अ जर्नी जर्नी टुवर्ड्स अवर रूट्स अवर कल्चर। तो आई लाइक दैट बुक वन व्हिच आई कैन से। मॉडर्न टाइम्स में यदि हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर इज यूवल हरारी। उसकी जो अभी तीन बुक्स हैं तीनों मैंने पढ़ी हैं। सेपियंस हाँ इतना ज्यादा पॉपुलर हुई है कि मेरे ख्याल से उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे। या सेपियंस इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग बुक। यस वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग बुक से। पर उसके बाद फिर उसके होमोड्यूस आई थी, मैंने वो भी पढ़ी। तीसरी बुक उसकी अभी आई है 21 लेसंस फॉर 21st सेंचुरी, मैंने वो भी पढ़ी। ही इज ए टॉप लेवल थिंकर नो डाउट। और वो बुक पढ़ने के बाद में ना ऑल ऑफ सडन आपको लगता है कि आप एवरीडे इवेंट्स और कॉमन चीजों के बारे में, जो उनकी हिस्ट्री के बारे में, आज जहां हम खड़े हैं वहां आए कैसे, इस बारे में बहुत कम जानते हैं। और जब किताबें पढ़ते हैं तो दे ब्रॉडन योर हॉरिजॉन। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज आल्सो मतलब यूवल हरारी इज वन थिंकर, उसकी बुक्स बहुत अच्छी हैं। डेनियल कानमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इट हैज बीन ए ग्लोबल ब्लॉकब्लस्टर। और अगेन ये आपके जो मेंटल कॉग्निटिव बायसेस हैं उनके बारे में बुक बात करती है। अवेयर सब होते हैं, जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे उतना ज्यादा आप गार्डेड रह सकते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेट अपने मेंटल बायसेस कर नहीं सकते हैं। अनकॉन्शियस हमारी प्रवृत्तियां जो है ना सर, वो दे किक इन ऑल द टाइम। यस यस। एक बहुत ही सीरियस रीडिंग, अच्छी रीडिंग जो भी मैंने कुछ कैसे 6-8 महीने पहले पढ़ी थी, एक बहुत बड़ी बुक है फ्रांसिस फुकुयामा की, द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ओके। ये बुक में बड़ी फैसिनेटिंग मुझे इस सेंस में लगी कि बेसिकली आप देखें तो जो पॉलिटिकल ऑर्डर हमारे सामने है के अंदर में हम यदि कहें कि कुछ थ्रेड हैं, तो एक थ्रेड है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज का, एक थ्रेड है यूरोप के अंदर में ही जो ईस्टर्न ऑटोक्रेसीज का, एक थ्रेड हम कह सकते हैं कि चाइनीज कल्चर है, एक थ्रेड हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर है। तो बेसिकली वो बुक का जो किनवा से इतना वाइड है कि examining the 5,000 years of political development in all these 4 threads and in parallel, and he is comparing, and then he is trying to define the roots. Okay. उसके roots क्या है, ये जो हमारा political behavior है
ये हमारे बायोलॉजिकल बिहेवियर से, और हमारी जो हम्म, कहना चाहिए कि जिसको अपन बोलते हैं ना कि इवोल्यूशन की थ्योरी, उसके से डिराइव होता है। ओके, तो देट इज ए वेरी वेरी गुड बुक। इट आई मीन टेल्स अस कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना, कई बार बड़ी सिंपल सी बात है, यूं हमने कभी नहीं सोचा होगा कि यूरोप है, यूरोप के अंदर में चर्च है, चर्च इज ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूट। कैसे बना? तो वो ऐसे बना कि चर्च वाज द फर्स्ट कहना चाहिए रिलीजन इन द वर्ल्ड जहां पे उन्होंने बेनिफिशियम को ऑफिशियम से सेपरेट किया। दोनों चीजें क्या होती है, हिंदुस्तान के अंदर में भी यदि कोई मंदिर का पुजारी था तो राजा जी जो है ना उसको कुछ जमीन दान कर देते थे कि वो अपना खर्चा चलाता रहे और मंदिर में पूजा पाठ करता रहे। ऐसे सैकड़ों धर्मादा की जमीन हमारे यहाँ भी राजाओं ने दी। हमारे यहाँ पे उन पंडित पुजारियों के पास में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई, आल्दो मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर रही होगी। वहां पे वो उनने क्या किया कि पादरियों को जो है जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ना, ट्रांसफरेबल जॉब बना दिया कि उनका वो ऑफिशियम है और बेनिफिशियम बिलोंग्स टू चर्च। ओके, यस, तो दे इन्वेंटेड दैट सिस्टम। नाउ इमेजिन कि बिकॉज ऑफ दैट द चर्च बिकेम दिस बिगेस्ट लैंड ओनर इन द इंटायर इंग्लैंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वाज एबल टू इन्फ्लुएंस, ग्रेट इन्फ्लुएंस मतलब ओवर द कहना चाहिए इंग्लिश पॉलिटिक्स। आप ये सब चीजें यूं नहीं जान सकते, इवन आज आप इंग्लैंड घूमने चले जाएं तो भी नहीं जान सकते। चीज आप, आपको जिस शेप में दिख रही है उसके पीछे की हिस्ट्री है, वो आई कैसे वहां पे, आप ये नहीं जान सकते। तो जब आप इस तरह की सीरियस रीडिंग करते हैं विच आई रियली लाइक, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना। दिस इज वन ऑफ द बुक्स जिसको मैं कहूँ कि एक सीरियस रीडर के लिए अच्छी बुक है। ऐसे ही एक थोड़े दिन पहले एयरपोर्ट पे मेरे को चलते चलते ही थोड़ा समय था, मैंने एक बुक ऐसी उठा ली जिसको मेरे को पता नहीं था कैसी होगी, बट उसका सब्जेक्ट बड़ा कैची था। व्हेन चाइना रूल्स द वर्ल्ड, व्हाट? व्हेन चाइना रूल्स द वर्ल्ड, ओके व्हेन ओके चाइना रूल्स द वर्ल्ड। तो इट वाज एक कहना चाहिए कि ए वेरी बिग एसे अबाउट द चाइनीज पॉलिटिक्स, चाइनीज सोसाइटी, चाइनीज कल्चर इन जनरल, बट व्हाट एंड हाउ दे थिंक एंड एक्ट अबाउट द वर्ल्ड। तो चाइनीज कल्चर क्या है, मतलब वो आपको जैसे वो कहता है कि चाइना जो है इट इज ए कंट्री विच इज ए कहना चाहिए कि लिविंग इज हिस्ट्री, 4000 ईयर हिस्ट्री। बड़ा फेमस एक कोट है कि माओ से किसी ने पूछा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका इम्पेक्ट जो है वो यूरोप पे क्या पड़ा, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 25 साल बाद। तो जवाब है इट इज टू अर्ली टू से। और विच इज अ वेरी प्रोफाउंड आंसर. तो चाइना इज ए कंट्री विच लिव्स हिस्ट्री, ब्रेथ हिस्ट्री, और उनका सारा डिसीजन आप उसका हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो देट वाज आल्सो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कमिंग डोमिनियन चाइना जिस तरह से अपने आप को असर्ट कर रहा है, फॉर एनी सीरियस रीडर ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स दैट्स ए गुड बुक। ये तो हुई सीरियस, बाकी इसके अलावा कई चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, कुछ ऑफ बीट रीडिंग जैसे कई कई सब्जेक्ट्स में मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने एक बुक तो ऐसी पढ़ी थी कि जो हमारी सेल्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, सेल्यूलर बायोलॉजी होती है, तो जो सेल्स का ओरिजिन क्या है जिसको बोलते हैं ना कि द बिग क्वेश्चन, एक निकलिसन की बहुत अच्छी बुक है जिसके अंदर में जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो जो बाद में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुए, तो करेंट साइंस की थिंकिंग क्या है, सेल्स काम कैसे करती हैं। अब यूं एक टोटली आउट एंड आउट बायोलॉजी का सब्जेक्ट है जिसको कोई बिल्कुल लेना देना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड देन वी एग्जैक्टली नो कि बेसिकली हम एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम तो पूरे कॉलोनी, सेल्स की एक और कॉलोनी वो है. अगेन आपको फिर कई बहुत सारे थॉट देता है उसके अंदर की। एक चीज तो मुझे अभी भी याद है, हमारी सेल्स के अंदर में ना जो एक वो जो बोलते हैं कि मॉलिकुलर मोटर्स होती हैं जो कि आपके सेल्स के अंदर में जो कहना चाहिए कि बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं उनको पंप करने का काम करती हैं। तो उसके अंदर में वो जो माइक्रो नैनो 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 पिको से भी नीचे के स्केल पे सेल के अंदर में हजारों मोटर्स हैं, और वो कैसे जो है केमिकल्स को जो है एक मैकेनिकल तरीके से सेल्स के अंदर में बाउंड्री वॉल से पुश कर रही है, निकाल रही है, ऑल ऑफ इट इज सो फैसिनेटिंग। लेकिन एज मैकेनिकल इंजीनियर आप समझो तो आप इमेजिन नहीं कर बिल्कुल सकते नेचर बिल्कुल कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं। हम वो बड़ा आईसी इंजन बना रहे हैं, आप सोचो कि वो एक साले टाइनी सेल के अंदर में इतनी इतने कहना चाहिए कि सोफिस्टिकेटेड मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसे ही द हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है इस पे बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी थी मैंने, डेविड ईगलमैन की।
मैं पढ़ता रहता हूँ, मतलब दैट नहीं इज तो सर दिस इज ऑल फैंटास्टिक, नाउ आई नो, मतलब जो सवाल से मैंने शुरू किया था कि आप यहाँ तक तो पहुंचे कैसे, उसका बहुत सारा जवाब मिला है, कई तरीकों से जवाब मिला है। कुछ लोगों ने कहा है कि परहैप्स दिस इज द बेस्ट संवाद सेशन, एंड मैं सब सेशन में करीब करीब रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई रियली एग्री कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन आई कैन डेफिनेटली से। जितने खुल के आपने बातें बताई, जितने दिल से आपने बताई और जितने कैंडिडली बताई, एंड आई थिंक सुपर आज के दिन बहुत कुछ सीखने को मिला सर। अब केवल एक सवाल है जो आपके दोस्त बार बार पूछ रहे हैं, अतुल जैन साहब ने पूछा था और उसके बाद अभी संजय अग्रवाल सर भी पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या भाई कुछ बिजनेस शुरू करने वाले हो। एब्सोल्युटली नॉट यार, इसके लिए मैंने ओके तैयारी ओके करके रखी है। तैयारी ये करके रखी है कि मुझे लगता है एकेडेमिया में आपकी सीरियस एंट्री के लिए यू नीड टू हैव ए डॉक्टर प्रिफिक्स, यू नीड टू डू ए पीएचडी, तो वो मैंने करके रखी है। मैं अच्छा तो आप पीएचडी करने वाले हो, कर चुका हूँ, कर चुके हैं। ओके कर ठीक है, तो चुका हूँ। नाउ यू विल गो इनटू अकेडमिया। तो जब मैं रिटायर होऊंगा, व्हेन आई हैंग माय कॉर्पोरेट बूट्स, तो मैं ना विजिटिंग फैकल्टी के रूप में किसी ऐसी जगह ज्वाइन करना चाहूंगा जहाँ हफ्ते में एक आध दो लेक्चर लेना हो, दिन में 2 कप चाय पीना हो, और हाँ यंग माइंड्स के बीच में, स्टिमुलेटिंग और आर्गुमेंटेटिव माइंड्स के बीच में रहने का मौका मिले। बहुत दैट इज अच्छा। माय सर आइडिया फॉर। मैं कभी कभी एक फिल्म यूनिवर्सिटी में जाके विजिटिंग फैकल्टी के मैं रूप में पढ़ाता जाता रहता हूँ, हूँ, कई जगह गया हूँ, मैं इंदौर में था तो कई जगह जाता था। तो सुपर सर तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कैरियर। हम यस थैंक यू। सब इंतजार करेंगे, और शायद मैंने बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमें से शायद आपके साथ आपकी एडवाइजरी लेना चाहेंगे सर। आई उसके लिए अपना जरा दरवाजे खुले रखिएगा। व्हाई नॉट, और तो दोस्तों आज बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला, एंड आज ये 94th सेशन है सर। आई होप कि हम 100 सेशन जब करेंगे, पूरे करेंगे, तब फंक्शन करेंगे उसमें आप भी हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके साथ पहले से चर्चा करेंगे है ना उसके बारे में भी। और मुझे तो इतने अरसे के बाद में कॉलेज की फ्रेटर्निटी से मिलके अच्छा लगा। मुझे खोज के लाए शायद इस प्लेटफॉर्म पे अजय पथिक, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा अतुल अतुल जैन सर ने सबसे पहले ये बात हाँ की थी सर, हाँ अतुल जैन सर ने हमसे अतुल बोला था, और फिर अजय पथिक भी है, बहुत सारे लोग हैं सर। और ने अजय पथिक तो सबको खोजते ही रहते हैं, वही पर आप छुपने वाले कहाँ हो, तो ये भी बताइए ना, खोजे उसको जो छुपा हुआ हो। मेरे ख्याल से मैं इतना एंगेज मैं तो था नहीं, मतलब हमारी ये समझ कहने से अतुल एडमिशन है कि मैं था नहीं एंगेज नहीं जितना। अतुल जैन सर ने मुझे आपके बारे में बताया था, और वही है कि अगर आप कुछ लोग दिखते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है, आपके बारे में धीरे धीरे पता चला। आई एम टेलिंग यू सर, आई एम सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकता आपको। थैंक यू। और एक चीज और बोलूंगा आपसे मैं कि देखिए ये संवाद तो सबके सामने हो रहा है, संवाद के पहले भी हम आपस में चर्चा करते हैं, आपने जितने खुले दिल से मुझसे बात की, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी इतनी बड़ी कंपनी के जो बात बात में करोड़ों रुपए की बात करता है उनके साथ बात कर रहा हूँ। इट्स सच ए यू आर सच ए अप्रोचेबल पर्सन, सच ए लाइवली पर्सन, तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर, और उम्मीद करता हूँ किसी दिन हम 1-to-1 भी मिलेंगे, और जैसे आपने कहा हम येसु की फ्रेटर्निटी के साथ शायद उज्जैन में मिलेंगे 1-to-1। आप श्योर थोड़ा टाइम निकालिएगा श्योर 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 है ना। श्योर तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। दोस्तों 4 साल पूरे हो चुके हैं केसु संवाद को, 94th सेशन हो चुका है, और हम रुकने वाले नहीं है, लगातार बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको दोस्त लोग खोज के लाएंगे। आप अगर किसी को जानते हैं तो उनके बारे में हमको बताइए। शब्बा खैर, जय हिंद जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी आउट। मुझे भी नहीं पता चला कि मैं ऑलमोस्ट 2 घंटा आप लोग का ले चुका हूँ, वो भी सैटरडे के दिन, तो ले सॉरी चुका हूं भाई। या दे चुका हूं पता नहीं। इतने सारे लोगों को ये इंसल्ट नहीं कर सकता कह के कि मैं दे चुका हूँ, मैं यही कहूंगा कि उनका ले चुका हूँ। आई एम सो हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टूडे। बाय ओके थैंक यू सर, बाय। बाय। तो दोस्तों फिर कुछ ही दिनों में फिर हम मिलेंगे, इंतजार करते रहिए।